देखता हूँ तुम लोग को भाई, देखता हूँ, रुक जाओ। क्या भीड़ अंकल, गिर गए आप? कहाँ गिर गया, मैं तो खड़ा हूँ। मेरा मतलब है कि आप गेम में गिर गए। अभी आपने चिल्लाया उसकी वजह से मेरा फोकस हटा और आप गेम में गिर गए। गेम्स पे ध्यान था मतलब। सुनो जरा बाजू लो। कौन 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 कौन? रुक जा। गोली। गोली? ये गोया। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अरे क्या चल रहा है, क्या है? हाँ, अरे कब से गेम ही खेल रहे हो? गेम से जरा ध्यान हटाओ, किसी और चीज पे ध्यान लगाओ। भिड़े अंकल, ये गेम ही इतना इंटरेस्टिंग है ना कि आप भी ये गेम खेलोगे ना तो आप भी इसमें खो जाओगे। ये भिड़े स्कूटर रेस गेम अब मल्टीप्लेयर गेम बन गई है। बाबा, इसमें दोस्त तो खेल ही सकते हैं, साथ ही साथ अनजान लोगों को इनवाइट भेज के आप उनके साथ भी खेल सकते हो। लेकिन अभी तुम लोग सिर्फ गेम्स ही खेलने वाले हो कि कुछ और भी करने वाले हो? लाइफ में आगे बढ़ना है कि नहीं? भिड़े अंकल, आपको पता है हमारे बनाए हुए गेम्स कितने पॉपुलर हो गए हैं? भिड़े स्कूटर रेस, रन जेटा रन, हंगरी गोली, पोपटलाल शादी, ये सारे गेम्स लोग कितने मजे से खेल रहे हैं। सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। भिड़े अंकल, आप भी हमारे साथ खेलिए ना। नहीं नहीं नहीं, मैं बाद में गेम खेलूंगा, मुझे अभी सोडा शॉप जाना है। बाबा, रोज रोज क्यों सोडा शॉप पे जाना है? सुनो बड़ा, मैं जब सोडा शॉप पे जाता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, वहाँ बातें करता हूँ तो अच्छा लगता है, मन हल्का हो जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। हाँ, तो ये गेम्स भी हमारे लिए सेम काम करते हैं। हाँ, हमारा भी मन फ्रेश हो जाता है और नए काम को करने की एनर्जी मिलती है। यस। और ये सारे गेम्स खेलने में हमें मजा भी बहुत आता है, इसलिए तो हम लोग ये गेम खेल रहे थे। एक काम करते ना भिड़े अंकल, हम लोग भी आपके साथ आज सोडा शॉप आते हैं। नहीं 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 नहीं, तुम लोग गेम्स खेलो, मैं जाके आता हूँ सोडा शॉप। ओके बाय बाय। आजा आजा आजा, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो। वाह वाह, क्या स्टाइल है ना उसकी, खोल ले आप, सुपर है एकदम। वाह, मजा आ गया। वाह, बीवी के हाथ का मसालेदार खाना और ऊपर से अब्दुल के हाथ की सोडा, यानी सोने पे सुहागा। एकदम करेक्ट डॉक्टर आती। ओ आतिप्रा, ब्रेक का लगाओ, वो अच्छे खाने की इतनी तारीफ ना करो वरना मेहता साहब को दुख होगा। अरे सोड़ी, मुझे दुख क्यों होगा, मुझे तो मेरी बीवी के हाथ का खाना मिलता है। ये बात अलग है कि उसमें स्वाद थोड़ा कम होता है, लेकिन स्वास्थ्य का दम होता है। दुख तो पोपट लाल को हो रहा होगा। दुख तो होगा ही ना भाई, आप सब अपनी अपनी पत्नी के हाथ का गर्मा गर्म खाना खा के सोडा पीने आते हैं, उसका मजा ही कुछ और है। ना ना, मैं नहीं भाई, अब तो मैं भी तुम्हारी पंगत में आ गया हूँ। पनगट मतलब? पनगट नहीं यार भाई, पंगत मतलब एक ही लाइन में है? मैं और पोपटलाल एक ही लाइन में आ गए अभी। एक लाइन में कैसे? अरे पोपटलाल का तो अभी शादी नहीं हुआ है, तुम्हारा तो शादी हो चुका है ना? नहीं मतलब पोपटलाल के पास बीवी नहीं है और मेरी बीवी मेरे पास नहीं है। तो हो गए ना दोनों एक ही लाइन में बिना बीवी के। करेक्ट है जी। तुम्हें जेठालाल कब आ रही है हमारी दया भाभी? क्या पता मेहता साहब, जब भी वो आने का सोचती है तभी ऐसा कुछ होता है कि वो आ ही नहीं पाती। अभी देखे ना, वो कोरोना के पहले आने ही वाली थी कि कोरोना आ गया। जेठालाल, कोरोना तो कब का चला गया, अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी क्यों नहीं आ रहा है? क्या पता यार भाई, जब भी फोन करता हूँ तो या तो वो यात्रा पे गई होती है या किसी आश्रम में सेवा कर रही होती है। तो जेठालाल ऐसा कब तक चलेगा, बुला लो जल्दी जय भाभी को, अगर वो नहीं आ पा रहे तो तुम उधर शिफ्ट हो जा। किधर? अहमदाबाद? हाँ। तो फिर गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स कौन संभालेगा आप? ओ जेठालाल, मैं साइंटिस्ट हूँ, इलेक्ट्रिशियन थोड़ी हूँ। किसने बनाया आपको साइंटिस्ट?
आपको क्या लगता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान इलेक्ट्रिशियन लोग संभालते हैं? लगता है आपका ये साइन इसका लाइसेंस कैंसिल करना पड़ेगा। ओ जेडलल, साइंटिस्ट को लाइसेंस नहीं डिग्री मिलता है। आओ जो भी है, जिसने भी आपको डिग्री दिया उनको बोलना पड़ेगा डिग्री वापस ले लो भाई, या कुछ भी बोल रहे कैसी बात कर रहे हैं? अरे जेडलाल बहुत, अब छोड़ो ये बताओ दया भाभी कब आ रहा है? अरे आपको इतना क्या है? क्या बबीता कभी कभी याद करता है। अच्छा हाँ? क्या बोलते हैं ये कि दया भाभी कब आ रहा है? वाह बबीता जी को मेरी कितनी चिंता है। ओ जेडलाल क्या सोच रहे हैं? ओए दया के बारे में जडलन, वो तुम कुछ बोला था ना, उसका क्या हुआ? किसका क्या? एक दिवाली तक अगर दया भाभी नहीं आया तुम खाना पीना तब छोड़ देगा। 2 महीने की मोहलत देता हूँ, अगर 2 महीने के अंदर अंदर दया मुंबई नहीं आई तो मैं अन्न जल का त्याग करूंगा। दिवाली तो कब का आकर चला गया, होली भी गया, तुम्हारा खाना पीना तो चालू है। अरे हाँ जेठालाल ये बात तो सही है, इसका मतलब तुमने प्रतिज्ञा तोड़ दी। जेठा भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ये प्रतिज्ञा तोड़ दी इसलिए दया भाभी वापस नहीं आ रही है? अरे आतिफ भाई मैंने प्रतिज्ञा का पूरा सम्मान रखकर अन्न और जल का त्याग कर दिया था। क्या बात कर रहे हो? कर दिया ना? तो वापस चालू क्यों किया? मतलब वापस चालू कैसे हो गया? क्या हुआ, जिस दिन से मैंने ये प्रतिज्ञा चालू की उस दिन सुबह से मैंने पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी। लेकिन फिर पापा प्लीज पानी पी लीजिए ना, आपने सुबह से पानी नहीं पिया है। मैंने बोला ना जब तक तेरी मम्मी अहमदाबाद से वापस नहीं आ जाती मैं पानी का एक बूंद तक नहीं पीऊंगा। मैंने प्रतिज्ञा ली है अब मैं बिल्कुल पाछी पानी नहीं करूंगा, पानी नहीं पीऊंगा मतलब नहीं पीऊंगा। पापा प्लीज। क्या हुआ टपुड़ा? देखिए ना दादाजी, पापा ने अन्न जल का त्याग कर दिया है। क्यों? मम्मी की वजह से। बहू आ गई और आते ही तूने झगड़ा भी कर लिया। अरे दया कहाँ आई है बापूजी? तो फिर अन्न जल का त्याग क्यों किया? वो आ जाए इसलिए। हाँ बापूजी, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अब जब तक दया अहमदाबाद से वापस नहीं आ जाती मैं अन्न जल का त्याग करूंगा। अरे बेटा ऐसे तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अब जो होना हो जाए बापूजी, अब तो मैं पानी तभी पीऊंगा जब दया आके अपने हाथों से मुझे पानी पिलाएगी। देख बेटा ऐसे जीत नहीं करते हैं। पानी पी। सॉरी बापूजी। अब क्या करेंगे दादाजी? पक्का नहीं पीना है? पक्का? दादाजी वाह 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 लाओ लाओ लाओ। अरे वाह वाह फाफड़ा जलेबी। ओह क्या खुशबू आ रही है टपुड़ा। लेकिन बेटा तू 2 प्लेट क्यों लाया? एक आपके लिए और एक पापा के लिए। अरे पापा ने तो प्रतिज्ञा ली है ना? लेकिन प्रतिज्ञा तो पानी नहीं पीने के लिए ना बेटा, अन्न जल।
जल मतलब पानी, अन्न मतलब ये सब। अच्छा तो अब इसका क्या करूं? यहाँ रख दे, ये खाने के बाद में वो भी खा लूंगा। रख दे रख दे। ओके। जेठिया, अरे देख क्या रहा है, मन है तो खा ले। नहीं नहीं, मुझे कोई मन नहीं हो रहा है। मन नहीं हो रहा है? तो तुझे तेरे फेवरेट जलेबी और फाफड़ा खाने का मन नहीं हो रहा है? अरे चटाकेदार फाफड़ा और रस भरी जलेबी खाने का मन नहीं हो रहा है, है? मुझे तो ऐसा मन हो रहा है कि ये सब एक साथ एक मिनट में खा जाऊं। जरा बस कीजिए बापू जी। क्या बस कीजिए? और मत कुछ बोलिए। क्यों ना बोलूं? क्यों ना बोलूं? मुंह मेरा, जबान मेरी, मैं बोलूंगा। मैं आजाद देश का नागरिक हूँ, मैं बोलूंगा। चटाकेदार फाफड़ा रस भरी जलेबी, 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 चटाकेदार फाफड़ा रस भरी जलेबी। अरे बेटा इतना मन है तो खा लेना, बहू आ जाएगी। हाँ पापा खा लीजिए ना। हाँ खा लेना बेटा। बापूजी आप भले लाख कोशिश कर लो लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा तो नहीं ही खाऊंगा। अब तो दया जब तक वापस नहीं आती मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूंगा। तो ठीक, मैं भी प्रतिज्ञा लेता हूं। मैं चंपकलाल फेंतीलाल खड़ा ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक मेरा बेटा जेठिया अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ता तब तक मैं भी अन्न और जल का त्याग करता हूं, अन्न और जल का त्याग करता हूं, त्याग करता हूं, त्याग करता हूं, त्याग करता हूं। बापू जी क्या करो, आप ऐसी प्रतिज्ञा नहीं ले सकते। क्यों? मैंने प्रतिज्ञा ली तो तुझे तकलीफ हो रही है? आज तो मुझे भी तेरी प्रतिज्ञा से तकलीफ हो रही है। तू अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, मैं भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा एक सेकंड में। बापू जी प्लीज जीत मत कीजिए ना। अरे जीत मैं नहीं तू कर रहा है, मैंने कहा ना तू अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे, मैं भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा एक सेकंड में। दादाजी पापा नहीं मान रहे हैं ना, तो ठीक है मैं भी प्रतिज्ञा ले लेता हूँ। अरे कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी है, बड़ा बड़ा प्रतिज्ञा लेवा मटे, खबरदार जो प्रतिज्ञा ली है तो। नहीं पापा, दादाजी सही कह रहे हैं, जब तक आप प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे तब तक हम भी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। पापू जी आज तक मैंने किसी को नहीं कहा, दया के बगैर मैं कैसे जी रहा हूं मेरा मन ही जानता है। हर पल मुझे दया की बहुत याद आती है बापू जी। देख जेठिया तेरी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर, इस बार तुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही बहू यात्रा से आएगी मैं खुद अहमदाबाद जाऊंगा और बहू को लेकर आऊंगा। चल अभी इसी बात पे मुंह मीठा कर ले, चल 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 चल। तो इस तरह बापू जी की वजह से मुझे अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। ओ जेठालाल
अब तो तुम प्रतिज्ञा भी नहीं ले सकता है, तो अभी दया भाभी को वापस लाने के लिए क्या करेगा? अभी तो एक ही रास्ता बचा है। क्या? बिना दया को बताए मैं अचानक अहमदाबाद पहुंच जाऊं और उसको लेके मुंबई आ जाऊं। वाह। चलो दोस्तों मैं निकलता हूं। हाँ, अहमदाबाद? नहीं नहीं, घर घर जा रहा हूं। तो दया को अहमदाबाद से लाने की बात बापूजी से अभी के अभी करता हूं। हाँ। चलो। हाँ? हाँ। दोस्तों लगता है बारिश आने वाली है, हम भी चलें? चलो चलो भाई चलो। जेठिया की माँ ऐसी हो तू? ठीक हो ना? हाँ, मैं भी ठीक, पर हमारा जेठिया ठीक नहीं। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। आजकल थोड़ा उदास उदास सा रहता है। बहुत दिनों से दया बहू को नहीं मिला ना, तुम्हें याद है? तुम जब मायके गई थी तो मैं कितना अकेला पड़ गया था। बस जेठिया का भी कुछ वैसा ही हाल है। सोच रहा हूँ मैं ही अहमदाबाद जाके दया बहू को वापस लेकर आऊँ। मेरा निर्णय ठीक है ना? ले बापूजी आप यहाँ हो, मैं आपका पूरा घर में ढूंढ रहा था। क्यों? ऐसे शुभ रात्रि कहने के लिए। अच्छा, पर आप यहाँ बालकनी में किसी की राह देख रहे? कोई आ रहा है गाँव से? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, तेरी बात ही बहुत याद आ रही थी तो उससे बात करने यहाँ चला है। हे जीरे, हे जीरे। क्या हुआ? मुझे भी कभी कभी दया की बहुत याद आती है बापूजी। आप तो बालकनी में आके बात से जो बात करनी है वो कर लेते हैं, मैं तो वो भी नहीं कर सकता। दया बहू से बात करने के लिए तुझे बालकनी में क्यों आना है? फोन करके बात नहीं कर सकता? अरे बापूजी जब भी फोन करता हूँ तो वो साला मेरा सुंदर वही फोन उठाता है, दया से तो बात ही नहीं हो पाती। समझ में नहीं आ रहा है बापूजी, इतना टाइम हो गया दया आ क्यों नहीं रही है? आ जाएगी आ जाएगी। अब तो उसकी आवाज सुनने के लिए मेरा कान तरस रहे है बापूजी। उसकी वो भोली सी हंसी, वो नटखट अदाएं, शरारतें, उसका वो जिंदगी जीने का जिंदा दिल नजरिया, सब कुछ बहुत याद आते है बापूजी। अरे पापा, दादाजी, आप लोग यहाँ हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तेरी मम्मी को याद कर रहे हैं बेटा। हाँ पापा, मम्मी की याद तो मुझे भी बहुत आती है। कब आएगी मम्मी? क्या पता। एक काम करते हैं ना पापा, अहमदाबाद जाकर मम्मी को लेकर आते हैं। अब तो यही करना पड़ेगा बापूजी। जाएंगे जाएंगे, एक बार विवान से बात कर लूं, फिर हम तीनों अहमदाबाद जाके बहू को लेकर आए। चल अब सो जाते। जी आई। जेठालाल और गड़ा परिवार के साथ साथ पूरा गोकुलधाम दया भाभी को मिस कर रहा है, लेकिन दया भाभी कब आएंगी ये किसी को नहीं पता। लेकिन इस बार जेठालाल ने ठान लिया कि आने वाले दिनों में वो दया भाभी को लेकर आएगा, और जेठालाल अगर कुछ ठान लेता है तो वो करके रहता है। लेकिन आप तो जेठालाल के नसीब को जानते हैं, उसके रास्ते में स्पीड ब्रेकर और पत्थर भरे हुए। खैर फिलहाल तो जेठालाल ये सोचकर सो गया है कि आसमान में काले बादल छा गए। अब ये काले बादल जेठालाल की जिंदगी में खुशियों की बरसात बरसाएंगे या फिर मुसीबत की बिजली कड़काएंगे? इस काले बादल में से सूरज चमकेगा या फिर ये अंधेरा और घना होता जाएगा? मुझे तो लगता है कि जेठालाल की जिंदगी में कोई नई मुसीबत आने वाली है, और जेठालाल की जिंदगी में नई मुसीबत की एंट्री मतलब मेरे जिंदगी में जेठालाल की एंट्री। जी हाँ,
जेठालाल के ऊपर जब भी कोई मुसीबत की बारिश हुई है उसमें मैं भी भीगा हूँ। पता नहीं कौन सी नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जेठालाल की जिंदगी में मुसीबत की एंट्री मतलब आपके जिंदगी में हंसी ठाक और खुशियों की एंट्री। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए और हाँ स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। हेलो जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से? सुंदर तुम्हारा साला है। हाँ अभी क्या कर सकते हैं? हाँ सुंदर साला मेरा है। जल्दी से तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ, उसने बहुत बड़ा गफला किया है। नहीं पर मैं अहमदाबाद में नहीं रहता हूँ साहब, मैं तो मुंबई में रहता हूँ और अभी मुंबई में मेरे घर पे हूँ। हाँ तो मैं मुंबई से ही बोल रहा हूँ, सुंदर अभी मुंबई पुलिस की हिरासत में ही है। सुंदर मुंबई में है? हाँ जल्दी से आ जाओ गोरेगांव पुलिस स्टेशन। आप उसने क्या किया? क्या पुलिस स्टेशन आओ सब पता चल जाएगा। हेलो 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 ये सुंदर भी ना मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। हे भगवान ये सुंदर ने क्या कांड किया होगा? इस बार टैक्सी वाला माथा भरे मिल गया क्या? अहमदाबाद से मुंबई का टैक्सी का भाड़ा ना मिलने पर उसने पुलिस कंप्लेंट की होगी क्या? वो तो हर बार टैक्सी वाला जान पहचान वाला लेके आता है, तो फिर क्या किया होगा? उसी को फोन करके पूछता हूँ। अरे सुंदर तू मुंबई में है? अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया था, क्या किया तूने? अच्छा मतलब तू क्रॉस चेक कर रहा है। अबे साले के जीजा तुझे क्या लगता है पुलिस इधर टाइम पास करने बैठी है? अब देखो इस सुंदर को हम कैसे छछुंदर बनाते हैं। नहीं नहीं उसको मारना मत, मारना मत। मैं आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। जल्दी आ जाइए पांडिया जीजा जी। आ रहा हूँ। क्या मुसीबत है? बापूजी को बता के जाता हूँ। बापूजी तो एकदम गहरी नींद में सो रहे हैं, नहीं जगाता हूँ। नहीं मेरे जाने के बाद बापूजी उठे और मुझे नहीं देखा तो हम का टेंशन में आ जाएंगे। नहीं नहीं उनको बता के जाता हूँ। बापू जी मैं हूँ। क्या हुआ बापू जी? मैं जरा पुलिस स्टेशन जाके आता हूँ। पुलिस स्टेशन क्यों? सुंदर ने पुलिस को पकड़ लिया है। सुंदर को पुलिस ने पकड़ लिया है। सुंदर मुंबई कब है? सुंदर मामा मुंबई में? हाँ कहाँ है सुंदर मामा? लॉकअप में। लॉकअप में क्यों? हाँ उसने किया क्या है? पता नहीं बापू जी, मुझे तो अभी पुलिस स्टेशन से फोन आया कि उन्होंने सुंदर को पकड़ा है। चल जाते हैं पुलिस स्टेशन। नहीं बापू जी आप रहने दीजिए। हाँ दादाजी आप रहने दीजिए, मैं पापा के साथ जाता हूँ। नहीं बेटा तू भी रहने दे, आप दोनों में से किसी को आने की जरूरत नहीं है। मैं मेहता सबको लेके जा रहा हूँ बापू जी। ठीक है लेकिन वहाँ जाके फिर फोन करके बताना क्या हुआ। हाँ हाँ पक्का पक्का बापू। चलो जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। तारा क्या हुआ? अरे कब से कोई डोरबेल बजा रहा है? क्या अंजलि इतना अच्छा सपना देख रहा था, पता है मैं कितनी अच्छी जगह पे था? यहाँ पर सभी प्रकार के व्यंजन थे, राजस्थानी बंगाली महाराष्ट्रन इटालियन मेक्सिकन। मैं मिठाई खाने ही जा रहा था कि तुमने मुझे उठा दिया। इसलिए उठाया तारक, जाके देखिए ना कौन है, कब से डोरबेल बज रहा है। कहाँ डोरबेल बज रही है, तुम सपना देख रहे हो, सो जाओ। हाँ डोरबेल तो बज रही है, इस वक्त कौन आया होगा? जाके देखेंगे तो पता चलेगा ना, जाइए ना। अंजलि यार जेठालाल इतनी रात के क्या हुआ, सब ठीक है ना? नहीं नहीं ठीक नहीं है मेहता साहब,
क्यों, क्या हुआ? ओ, सुंदर को पुलिस ने पकड़ लिया, हमें अभी कभी जाना पड़ेगा। अहमदाबाद? नहीं नहीं, गोरेगांव पुलिस स्टेशन। बाप रे, तो बहुत ही टेंशन वाली बात हो गई। वही तो, ये सुंदर मेरा साला नहीं मकड़ी का जाला है और हर बार मुझे इस जाले में फंसाता है। चलिए, हमको जल्दी से पहुंचना पड़ेगा पुलिस स्टेशन। एक मिनट जेठा, मैं अंजलि को बता के आता हूँ। हेलो, निकलेगी नहीं? हाँ, मैं घर से बाहर निकल गया हूँ, बस सीढ़ी उतर रहा हूँ। घर से निकलने में इतना टाइम लगा दिया, तो यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगाओगे? सॉरी, वो बापू जी को जगा कर बताने में थोड़ा टाइम गया साहब। बापू जी मतलब पिताजी? जी जी जी। अरे, इतनी रात को बेचारे बुजुर्ग को क्यों परेशान किया? नहीं, उनको बताना तो पड़ेगा ना साहब। वो आधी रात को उठते और देखते कि मैं घर में नहीं हूँ तो टेंशन में आ जाते। फिर मुझे फोन करते और मैं कहता कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, तो और टेंशन में आ जाते। ठीक है, आ जाओ जल्दी। हाँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्या हुआ? किसका फोन था? वो इंस्पेक्टर साहब का। क्या बोल रहे थे? वो बोले कि कहाँ रह गए, जल्दी आओ पुलिस स्टेशन। चलो 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 चलो। अरे मेहता साहब, मैं क्या कहता हूँ, इतनी रात को रिक्शा मिलेगी नहीं और रास्ते पे वो कुत्ते भी परेशान करेंगे। नहीं जाना? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि छोटी को भी साथ ले ले क्या, उसकी गड्डी में जल्दी पहुँच जाएंगे। क्या कर रहे हो? जागा के नहीं, सुन रहा हूँ। हलचल सुनाई नहीं दे रही। अरे रोशन भाभी है नहीं कहीं, है पार्टी सार्टी करके तो नहीं सोया है? ओ, कौन है भाई? जेठा मेहता साहब, आप दोनों इस वक्त क्यों आया? छोटी, जल्दी से गड्डी निकल, हमें पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन क्यों? चलो चलो, चलो। कहाँ जा रहा है छोटी? ओ यार, कपड़े तो बदल लूं। जल्दी 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 जल्दी। ओ तुसी फिकर ना करो जेठा ब्रा, ओ मैं गड्डी को हवाई जहाज की तरह उड़ाकर पुलिस स्टेशन पहुंचा दूंगा। सोडी, धीरे धीरे, लोग सो रहे हैं भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, चलो। एक मिनट, क्या हुआ? मेहता साहब, हम तो तीन है। तो वो कहते हैं ना, तीन तिगड़ा काम बिगड़ा। जेठा लाल, मेहता साहब, एक तो वैसे ही मेरी कुंडली वाइडी है, रिक्शा नहीं लेते। हाँ तो ठीक है, मैं नहीं आता, तुम दोनों जाओ। अरे क्या बोल रहे हैं आप मेहता साहब, आपको और छोटी को तो आना ही है। तुम ही तो कह रहे हो कि तीन तिगड़ा काम बिगड़ा, तो क्या करें? आप तो किसी चौथे को साथ में ले लेते हैं ना। किसको? भीड़े, भीड़े को। एक दो मिनट रुको, मैं भीड़े को बुला के लाता हूँ। बाप रे, इतनी रात गए कौन है? अरे आलो आलो, अरे आलो आलो, बेटे चाचा जी हैं? चाचा जी घर पे ही है ना? हाँ, क्यों, कुछ काम है? नहीं, मुझे कोई काम नहीं। तो क्यों पूछा? नहीं मतलब, उनको पता है कि नहीं तुम इतनी रात के बाहर घूम रहे हो? हाँ, उनको बता के ही निकला हूँ मैं। हाँ तो ठीक है, लेकिन बात क्या जेठालाल, तुम इतनी रात को घर के बाहर क्यों घूम रहे हो? अरे भाई, तुझे बुलाने आया हूँ, हमें अभी कभी पुलिस स्टेशन जाना है। कौन आ रहा है इतनी रात को स्टेशन, किसको लेने जाना है? अरे रेलवे स्टेशन नहीं, पुलिस स्टेशन जाना है। पुलिस स्टेशन क्यों? वो सुंदर को मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया है। सुंदर मुंबई में आ गया है, वो कभी आया मुझे पता नहीं है। उसने क्या किया वो भी मुझे पता नहीं है। पुलिस ने उसको क्यों पकड़ा है वो भी मुझे पता नहीं है। ये सब हम पुलिस स्टेशन जाएंगे ना तो पता चलेगा। अरे लेकिन तुमने पुलिस को पूछा नहीं। अरे पूछा लेकिन पुलिस ने बताया नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं बताया जेठालाल, जानना हमारा हक है। पुलिस का कर्तव्य है कि वो हमें हकीकत से अवगत कराए। बस बस, यही वाक्य तो पुलिस स्टेशन में जाके बोलना। जेठालाल, ये एक वाक्य बोलने के लिए मैं पुलिस स्टेशन आऊँ? नहीं नहीं, एक क्यों भाई, 5, 6, 7, 8 जितना मर्जी बोलना ना मैं उधर जाके। नहीं, क्या बोल रहे जेठालाल? नहीं मतलब जेठालाल, मैं पुलिस स्टेशन आऊंगा, ये 7-8 वाक्य बोलूंगा, उसके बाद अगर पुलिस ने मुझसे पूछा कि तुम इतना बोल रहे हो, तुम सुंदर के कौन लगते हो, तो फिर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा ना, क्योंकि सुंदर तो तुम्हारा साला है। मतलब तुझे नहीं आना है? अरे परवाद, नोटिस बोर्ड वर्ती तुझ लिवला होता ना तो सुविचार,
कि पड़ोसी धर्म सच्चा धर्म, आधी रात को भी एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी की मदद करनी चाहिए। अभी आधी रात को एक पड़ोसी मदद मांगने आया है, लेकिन तू मदद करने को तैयार नहीं है। तो ये सुविचार तो खाली लिखने के लिए लिखता है क्या है? उसका पालन नहीं करता है। भीम का हाथ सुविचार वाचला। क्या सोच रहा है? नहीं, सोच रहा हूँ कौन से कलर का कुर्ता पहनू। खाकी पहन, खाकी। खाकी नहीं पहना। लो जी, आ गया चौथा, अब चले। एक मिनट, आ गया चौथा मतलब? वो मतलब ये कि हम तीनों तो जा रहे थे पुलिस स्टेशन, पर जेठा ब्रा को लगा कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, इसीलिए किसी चौथे को पढ़ लेते। तो मैंने कहा आ गया चौथा, अब चले। किसी चौथे को अरे अरे मिका एक्स्ट्रा है का? ऐसा नहीं है भिड़े। अरे ऐसा नहीं तो कैसा है जेठालाल? चौथा चाहिए था इसने मुझे नींद से उठा के लेके आए। अरे नहीं भिड़े, देख चौथा चाहिए था तो मैं तो साथ में किसी को भी ले जा सकता था, लेकिन तुझे क्यों चुना? क्योंकि तू संस्कारी है, जिम्मेदार है, परोपकारी है, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है, बराबर के नहीं? हाँ बराबर बराबर बराबर। चलो चलो, चलो। आजा आजा। हेलो, कहाँ पहुँचे, कितनी देर? मैं बस निकल गया हूँ, रास्ते में ही आ रहा हूँ। अरे कब से आ रहा हूँ बोल रहे हो? ये पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम नहीं, जो हम तुम्हारा इंतजार करते रहे। नहीं नहीं, बस बस मैं पहुंच रहा हूँ, सब पहुंच रहा हूँ। देखो अगर तुम 10 मिनट में नहीं पहुंचे तो सुंदर के साथ तुम्हें भी लॉकअप में डाल दूंगा। हेलो, मैं नहीं आ रहा हूँ। अरे 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 क्यों? अरे सुना नहीं वो कितना बढ़ गया इंस्पेक्टर साहब, लगता है तुम्हारे सुंदरलाल ने बहुत बड़ा लफड़ा किया है। हम सब गए ना वहाँ पे, तो इंस्पेक्टर हम सबको नक्की लॉकअप में डाल देगा। अरे ऐसे कैसे लॉकअप में डाल देंगे? हमने कौन सा क्राइम किया? आप दोनों को जाना हो तो जाओ, मैं नहीं आने वाला। एक मिनट जेठा, तुम चालू पांडे जी को फोन लगाओ। अरे इससे क्या होगा? हमारी मदद होगी। कैसे? हो सकता है ये जो इंस्पेक्टर हमें फोन कर रहे हैं वो नए हैं और हमें नहीं पहचानते, लेकिन पांडे जी हमें पहचानते हैं। तो जब पांडे जी उस नए इंस्पेक्टर से बात करेंगे तो हमारी मदद हो जाएगी। मेहता साहब बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं, जेठा तुझे फोन लगाओ। मेरे पास चालू जी पांडे जी का फोन नंबर नहीं है। हमारे पास चालू पांडे जी का नंबर नहीं है? नहीं मतलब था, लेकिन मैंने उसको डिलीट मार दिया। क्यों? तो दो तीन बार गलती से उनको फोन लग गया था। दो तीन बार गलती से कैसे लग सकता है? अरे वो क्या है, वो एक वो फ्रूट के होलसेल व्यापारी है, चारूदत्त पांडे, तो उनका नंबर और ये चालू जी पांडे जी का नंबर आगे पीछे मेरे फोन में सेव था। तो एक बार मुझे वो फ्रूट मैंने मंगाया था ना, तो उसके कंप्लेंट करने, वो पैकिंग में लफड़ा हुआ था, तो मैंने फोन लगाया, मुझे लगा चारूदत्त को लगा, लेकिन फोन लग गया चालू जी पांडे जी को, तो मैंने तो कंप्लेंट करना चालू कर दिया। अरे कौन बेवकूफ आदमी है तुम्हारे उधर, जो ऐसा पैकिंग करता है फ्रूट का, टोकरी में वो चीकू सीताफल सब नीचे रखता है, ऊपर वो तरबूज पैक करता है, ऐसा कोई करता है क्या? नीचे चीकू सीताफल सब पिचक गए। ऐसा तुमने पांडे जी को बोला? अब क्योंकि मुझे लगा मैं वो चारूदत्त से बात कर रहा हूँ ना। और ऐसा दो तीन बार हुआ है? हाँ तीसरी बार तो जो भड़के बाप रे। तो भड़केंगे ही ना भाई, अच्छा वो नंबर डिलीट कर दिया। हाँ वो इसलिए, चालू जी पांडे जी का तो नंबर ही नहीं, तो अभी कैसे फोन करूँ मैं? एक मिनट, मेरे पास ना शायद उनका पर्सनल नंबर होगा। अच्छा हाँ हाँ, ये मिल गया। हाँ। स्पीकर पे रखो। अच्छा करो बात, तू ही बात करना। अरे काट क्यों दिया? तो मैं क्यों बात करूं? अरे तेरा फोन है ना। अरे लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारा ना जेठालाल, तुम्हारे प्रॉब्लम अगर मैं बात करूंगा तो भड़क नहीं जाएंगे। चल ठीक है, चल लगा मैं ही बात करता हूँ। अरे मैं ही बात करता हूँ, उपकार मत करो मेरे पे। उपकार कहाँ कर रहा हूँ भाई, मैं खाली बोल रहा हूँ कि अच्छा लगा फोन, मैं बात करता हूँ ऐसा। Thank you.
दादाजी ये हाथ तक पकड़। हेलो। अरे बाप रे, तो हेलो में ही भड़क रहे हैं। रात को 2 बजे अननोन नंबर से फोन कर रहे हो, ऊपर से बोल क्यों नहीं रहे हो? लगता है कोई बच्चा है, बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? घबराओ मत, खुलकर बोलो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? पुलिस तुम्हारे साथ है, डरो मत। जेठालाल। क्या उम्र है बेटा तुम्हारी? चलो पांडे जी, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। कौन जेठालाल गड़ा? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, गोकुलधाम सोसाइटी। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो सीधे सीधे बोलो ना कि तुम जेठालाल बोल रहे हो। तो आपने पूछा तो बोला ना, मैंने जेठालाल बोल रहा हूँ। उसके पहले तुम छोटे बच्चे की तरह क्या बोले थे? चो, 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 बे, बे। अरे सीधे बोल देते कि मैं जेठालाल बोल रहा हूँ। नहीं नहीं, वो जिस अंदाज में आपने हेलो बोला ना, सबसे पहले उसी में मैं डर गया। डरना ही चाहिए। थैंक यू। अरे थैंक यू काय, मुद्दत से बोल। चालू जी, पांडे जी। एक मिनट एक मिनट, ये बताओ तुम्हारे पास मेरा पर्सनल नंबर कैसे आया? नहीं नहीं, मेरे पास आपका पर्सनल नंबर नहीं है, और ये फोन भी मेरा नहीं है। तो किसका है? ये भीड़े भीड़े का। कौन भीड़े? अच्छा, वो गोकुलधाम का एक मेरे सेक्रेटरी। हाँ हाँ, वही वही, उसके पास आपका पर्सनल नंबर है। उसके पास मेरा पर्सनल नंबर है? वो कैसे? नहीं दिया था वो, आपने दिया होगा। अरे मैं क्यों दूंगा उसको मेरा पर्सनल नंबर? वो माधवी भाभी, वो भिड़े जी की वाइफ जो है ना, माधवी भाभी, वो अचार पापड़ का बिजनेस करते हैं ना। हाँ तो? तो हो सकता है आपने बासुंदी भाभी के लिए वो अचार पापड़ का ऑर्डर दिया हो भिड़े को। तो तुमने मुझे रात को ऑर्डर लेने के लिए फोन किया है? नहीं नहीं, ये भिड़े ने फोन नहीं किया, ये तो मैंने फोन किया है, खाली फोन भिड़े का है। हाँ तो बोलो ना, फोन क्यों किया है? वो चलो जी, पांडे जी आप अभी पुलिस स्टेशन में हैं? मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं 24 घंटे पुलिस स्टेशन में रहूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब आप पुलिस स्टेशन में नहीं है तो सॉरी, लेकिन मैं आपको पूछ सकता हूँ अभी आप कहाँ हैं? मैं अपने घर में हूँ, दिन भर ड्यूटी करके थक कर मैं चैन की नींद सो रहा था। सॉरी सॉरी सॉरी, सो जाइए सो जाइए। ओके गुड नाइट। पांडे जी, मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप अभी जरा पुलिस स्टेशन आ सकते हैं क्या? क्यों, अभी तुमने क्या लफड़ा किया? नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर मुझे क्यों बुला रहे हो पुलिस स्टेशन में? वो दरअसल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। क्या? वो दरअसल क्या हुआ? हेलो 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 हेलो, अरे फोन क्यों रख दिया उन्होंने? उन्होंने फोन रखा ना, फोन स्विच ऑफ हो गया है, चालू कर भाई। तो फोन ही काट दिया? दिस इज टू मच। नहीं चालू नहीं होगा, ये बैटरी लो थी ना, अभी ये डिस्चार्ज हो गया है। अरे क्या कर रहा है तू? मैंने क्या किया? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच्ड ऑफ है। क्या किया होगा इस जेठालाल ने? जेठालाल की जिंदगी में मुसीबत का ऐसा हो रहा है फ्लो कि फोन की बैटरी भी हो गई है लो, और इस लो बैटरी की वजह से जेठालाल का ब्लड प्रेशर हाई होने वाला है। जी आधी रात को पुलिस स्टेशन से फोन आ गया। किसकी वजह से? सुंदर की वजह से। जेठालाल की जान तो जैसे हथेली पे आ गई। रिश्ते निभाने जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सुंदर ने जेठालाल के सर पर मुसीबतों का पहाड़ रख दिया है। जिस तरह से पानी में डूबता हुआ आदमी यहाँ वहाँ हाथ पैर मारता है, ठीक उसी तरह से जेठालाल ने चालू पांडे जी को फोन कर दिया है। अब आधी रात को चालू पांडे जी को फोन करना मतलब आ बैल मुझे मार वाली कहावत को सच करना, क्योंकि चालू पांडे जी जेठालाल को पसंद नहीं करते, हमेशा उस पर भड़कते हैं। अब सुंदर ने क्या किया है, क्यों किया है, बिना जाने चालू पांडे जी को फोन करना, मतलब आप तो समझ ही सकते हैं। अब जेठालाल के मन में एक ही है सवाल कि सुंदर ने क्या खड़ा किया होगा बवाल। पुलिस के बार बार आते हुए फोन ने जेठालाल को किया है बेहाल। अब देखते हैं ये गहरी रात और गहरी होती है या फिर इसके बाद उजाला निकलता है।
देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फोन स्विच ऑफ हो गया है, चालू कर भाई। नहीं नहीं चालू नहीं होगा, ये बैटरी लो थी ना अभी ये डिस्चार्ज हो गया है। अरे क्या कर रहा है तू? मैंने क्या किया? अरे फोन चार्जिंग करके रखना चाहिए ना। अरे जेठालाल मुझे क्या सपना आया था कि रात को 2 बजे तुम आओगे और मुझे चौथा बना के लेके जाओगे? और वैसे भी मैं रात को मोबाइल चार्ज नहीं करता हूँ, रात भर अगर मोबाइल चार्ज करो ना तो बैटरी की लाइफ खत्म हो जाती। अच्छा भला मेहता साहब ने चालू पांडे जी को फोन करने का आइडिया दिया था, अभी तेरी वजह से। मेरी वजह से? अरे ये दुनिया भर की बातें कर रहे थे, मैं कब से बोल रहा था कि मुद्दे की बात करो। मैंने बोला था ना मैंने मुद्दे की बात तो की ही नहीं। अभी चालू जी पांडे जी का पर्सनल नंबर तेरे मोबाइल में, अभी कहाँ से मिलेगा नंबर, कैसे करेंगे उनको फोन? मैं जाता हूँ घर पे, मोबाइल चार्ज करता हूँ और वापस आता हूँ। अरे इतना टाइम नहीं है भाई, वो इंस्पेक्टर बार बार फोन कर रहा है, सुना ना तूने? वो राह देख रहा है हमारी। पांडे जी को फोन करना ही नहीं चाहिए था, वहाँ पे वो इंस्पेक्टर ऑलरेडी भड़का हुआ है, यहाँ पे पांडे जी मेरे पे भड़केंगे। ओए पिड़ू, वो पांडे जी क्यों भड़केंगे? अरे वो भड़केंगे ना सोढ़ी, रात को 2 बजे उनको नींद से उठाकर फोन किया और मुद्दे की बात तो की ही नहीं, उससे पहले ही फोन स्विच ऑफ हो गया। अभी उनको तो पता नहीं ना कि फोन स्विच ऑफ हो गया, वो बार बार मुझे फोन कर रहे होंगे और फोन लग नहीं रहा होगा, वो तो भड़केंगे ही ना। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच्ड ऑफ है। अचानक उसका फोन बंद क्यों हो गया? क्या किया होगा इस जेठालाल ने? मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा। एक काम करते हैं, पांडे जी को छोड़ो, फिर से उस इंस्पेक्टर का फोन आ जाए उससे पहले हम पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। हां चलो 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 चलो। हेलो, क्या हुआ, इधर हो तुम? बस आ रहा हूं। अरे कब से आ ही रहे हो तुम? तुम आ कहां से रहे हो? दुबई से? नहीं नहीं मुंबई से, मतलब मुंबई में ही हूं मैं। अरे तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? वो अपना वो रिक्शा नहीं मिल रही थी मुझे, तो अभी मिल गई। हाँ, भाई साहब जरा जल्दी भगाओ ना। ओ हाजी बादशाह, ओए हट जाओ। पंजाबी ड्राइवर है? हाँ जी। तुम भी पंजाबी हो? नान जी, आऊं तो कच्ची मोड़ हो। मैं कच्ची हूँ। और तुम रिक्शा में आ रहे हो कि टैक्सी में? तो टैक्सी से, रिक्शा से फास्ट भागती है ना। लेकिन अभी तो तुम बोले रिक्शा नहीं मिल रही थी। वही रिक्शा नहीं मिल रही थी इसीलिए टैक्सी में आ रहा हूँ। तो अभी कितना टाइम? वही 10 मिनट। अभी अगर तुम 10 मिनट में नहीं आए तो देखो मैं तुम्हारे साले का क्या हाल करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बस पहुँच रहा हूँ साहब, पहुँच रहा हूँ, जल्दी पहुँच रहा हूँ। ओके, ये सुंदर ने कहाँ फंसा दिया मुझे? मुझे नहीं, हमें। अब अगर 10 मिनट के अंदर अंदर नहीं पहुंचे ना तो पक्का अंदर कर देगा हमें। हमें नहीं तुम्हें। अरे चालू पांडे जी से बात नहीं हो पाई ना, वरना वो अगर वहाँ आ जाते ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, पूरा मामला संभाल लेते। जेठा हम एक काम कर सकते। क्या? हम एक वकील को साथ में लेकर चलते, वकील रहेगा तो वो इंस्पेक्टर साहब से बात भी कर लेगा और हमारे फंसने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, और तो और वो सुंदर की जमानत भी करा देगा। वाह मेहता साहब, आइडिया तो टॉप क्लास का है। हाँ मेहता साहब, ये अच्छा आइडिया है, वकील होगा तो कोई टेंशन नहीं होगी। फोन लगा। मेरे पास किसी वकील का नंबर नहीं है। ओ, कोई नहीं जी, वो मेरे पास है वकील का नंबर। हाँ जी, वो मेरा एक दोस्त है बब्बन बिहारी। अच्छा वो वकील है? नहीं नहीं, उसका एक दोस्त है पीके मतवाला, वो वकील है। अच्छा चला नंबर दे। हेलो जी, 98। कौन होगा इतनी रात को? हाँ हेलो। हाँ कौन, वकील साहब बोल रहे? हाँ मैं पीके मतवाला बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ। कौन जेठालाल गड़ा? वो बाके बिहारी का दोस्त। कौन बाके बिहारी? जेठा ब्रा, बब्बन बिहारी। सॉरी वो बब्बन बिहारी का दोस्त। अरे बोलिए बोलिए जनाब। क्या हुआ, क्या किया आपने आधी रात को? नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, दरअसल मेरे साले का केस है। अच्छा अच्छा आपके साले ने गुनाह किया है? क्या किया है? रात को किसी की गाड़ी ठोक दी या फिर हेरा फेरी का केस?
नहीं नहीं कुछ पता नहीं उसने क्या किया, मुझे तो पुलिस स्टेशन से फोन आया था थोड़ी देर पहले कि उन्होंने मेरे साले को गिरफ्तार किया। मैंने पूछा क्या किया उसने, तो इंस्पेक्टर साहब बोले कि आप इधर आओ पुलिस स्टेशन, फिर बताऊंगा उसने क्या किया है। तो मैं सोच रहा था अगर आप भी पुलिस स्टेशन आ जाते तो क्या है कि मुझे और मेरे साले को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ हाँ टेंशन मत लीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा पुलिस स्टेशन। अरे थैंक यू। लेकिन आपको मुझे फीस देनी होगी पूरे 10,000 रुपए। किसमें? आपके साले की जमानत भी हो जाएगी। फीस की आप चिंता मत कीजिए, आपको मिल जाएगी। आप जरा जल्दी पुलिस स्टेशन आ जाएंगे प्लीज। ओके एक मिनट। लेकिन कौन से पुलिस स्टेशन आना है? गोरेगांव पुलिस स्टेशन। हाँ अभी निकलता हूँ और 10 मिनट में पहुँचता हूँ। थैंक यू मतवाला जी, थैंक यू। वेलकम। चलो अभी कोई टेंशन नहीं है। चलो। अच्छा आइडिया दिया आपने वकील वाला। चल भीड़ है जल्दी। अच्छा सब आइए फटाफट। अरे क्या हुआ छोटे, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं। अरे तुझे पता नहीं मतलब कि हुणे स्टार्ट हो जाएगी? अरे तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है, 10 मिनट में पुलिस स्टेशन कैसे पहुंचेंगे? ठंड रखो जेठा ब्रा, गड्डी स्टार्ट होते ही 2 मिनट में आपको पुलिस स्टेशन पहुंचा दूंगा। गड्डी स्टार्ट होते ही ना, पर गड्डी स्टार्ट कभी होगी? हुणे हो जाएगी हुणे। भिड़े तुम जाके सखाराम को लेकर आओ। हाँ, हाँ। नहीं, सकरम क्यों, और ऐसे भी सकरम पे 3 जन ही जाएंगे और 3 जन तो जा नहीं सकते क्योंकि 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, इसलिए तो मुझे लेके आए ना चौथा बना के। हाँ तो ठीक है ना, सकरम पे हम 4 चले जाते हैं। अजीब बात नहीं, इसमें अजीब बात क्या है? अरे अजीब बात है ना, अजीब बात नहीं मतलब बिल्कुल नहीं। का? वैसे भी 3 जगह तो 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, 4 जन जाएंगे तो सकरम बिगड़ा। अरे यार जेठा प्रा, तुसी टेंशन ना लो, अभी तो गड्डी स्टार्ट हो गई है, बस 2 मिनट में आपको पुलिस स्टेशन पहुंचा दूंगा। तू तो 2 मिनट में पहुंचा देगा छोटी, लेकिन वो इंस्पेक्टर साहब ने दी हुई 10 मिनट कब की खत्म हो चुकी है। मुझे तो लगता है उन्होंने वो लॉकअप का दरवाजा खुला ही रखा होगा, पुलिस स्टेशन जाते ही हम सबको अंदर डाल देंगे। ऐसा तो मैं नहीं आ रहा भाई, बिल्कुल नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। छोड़ी तू गाड़ी रोक भाई, गाड़ी रोक। वैसे मुझे कल सुबह ट्यूशन है और आज रॉबर्ट की डिलीवरी करने भी जाना है। अरे गाड़ी रोक। ओ पिड़ू, इतने इतना स्यापा पे है और तुझे अचार पापड़ की डिलीवरी की पड़ी है? भिड़े ऐसे थोड़ी ना कोई हमें अंदर डाल देगा। और अंदर डाल भी दिया तो मतलब वद तू वद अंदर डाल भी दिया तो, अब तो वकील साहब है ना हमें छुड़ाने के लिए, क्यों मेहता साहब? लेकिन कोई हमें अंदर डालेगा क्यों, हमने कुछ गलत थोड़ी ना किया है। तुम चिंता मत करो कुछ नहीं होगा। अरे भूत हम में से किसी को वड़क गया तो लफड़ा हो जाएगा। मेरे पे मार उतरा बजाना और मारो थी बना दिया जिसे तरह मुझे पर बजाना। पिछले। अरे तुम लोग डर क्यों रहे हो? भूत कुछ नहीं होता। अरे क्या बोल रहे मेहता साहब, क्या कुछ होता नहीं है, ये सामने जीता जागता भूत आपको दिख नहीं रहा है? जीता जागता भूत कैसे हो सकता है? ओए तुसी टेंशन ना लो, मैं अभी इस भूत की ऐसी की तैसी करके आता हूं। छोटे मत जा भाई, वो भूत तुझे वड़क जाएगा। भड़क जाएगा मतलब वो तेरे अंदर घुस जाएगा। ओ छड्डो यार, मैं नु छड्डूंगा नहीं। अरे सोड़ी क्या छड्डूंगा नहीं कर रहे हो, वो भूत है, भूत तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। क्या भूत, वो इंसान है। अरे क्या बोल रहे हैं मेहता साहब आप, इंसान का चेहरा होता है, देखो इसको तो चेहरा है नहीं, चेहरे की जगह पे बाल है। ओए क्या सुन सोड़ी, कैसे सुनेगा वो, उसका चेहरा ही नहीं तो कान कहां से होंगे। ओ यारो, वो हंसने की आवाज आ रही है, मतलब मुंह है तो कान भी कहीं ना कहीं होंगे।
ए, मैं तीन तक गिनती करूंगा। अगर मेरे तीन गिनने तक तू वहां से नहीं हटा तो मैं उठे आके तेरी नानी याद दिला दूंगा। एक, दो, क्यों गिना तूने एक दो तीन, अभी एक बजे तीन भूत हो गए। अरे उल्टी गिनती कर, उल्टी गिनती कर, तीन दो एक। ओए तुम लोग हंस क्यों रहे हो, इतने कोई मजाक चल रहा है? रुक, अभी मजाक चखाता हूँ। थोड़ी सोई चढ़ दो यार। रुक यार, तेरी टांग है। नहीं नहीं, रुके रुके, सोड़ी भाई रुके। ये वो सोड़ी को पहचानता है? कौन है तू और मेरा नाम कैसे जानता है? सोड़ी भाई, मैं बहलू। पहलू? ये क्या मजाक है? जीजा जी, ये मजाक मेरा नहीं, सुंदर भाई का है। क्या पहलू? थोड़ी देर रुक नहीं सकता था तू? सुंदर तू? आए मेरी है जीजा जी। अरे सुंदर, तुम्हें तो पुलिस ने पकड़ लिया था ना? हाँ, पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन आपको आने में देर हो गई इसलिए छोड़ दिया। अरे आवाज तो अच्छा, तो फोन में इंस्पेक्टर बनकर तू बात कर रहा था? हाँ जी जा जी। तेरी तो ऐसा क्यों किया सुंदर? अरे माय डियर जीजा जी, साला अपने जीजा के साथ एक छोटा सा मीठा सा मजाक नहीं कर सकता है? अरे ये कोई वक्त है मजाक करने का? रात के दो बज रहे हैं, रात के दो बजे ऐसा मजाक कौन करता है? अरे माय डियर जीजा जी, वक्त देखते कोई थोड़ी मजाक करता है? और माय डियर जीजा जी, साला और जीजा उन दोनों का संबंध मजाक के डोर से बंधा हुआ होता है। तेरा और मेरा रिश्ता डोर से नहीं, डर से बंधा हुआ है, डर से। तू जब भी मुंबई आता है ना, मुझे डर लगता है, डर। डर? कैसा डर माय डियर जीजा जी? आपको ऐसा क्यों लगता है? अरे माय डियर जीजा जी, मैं आपका साला हूँ, साला। अरे साले को देख के आपको खुशी होनी चाहिए, खुशी। यही बात मैं तुझसे कहता हूँ कि तुझे देख के मुझे खुशी होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? तू ही सोच। अरे ये डर और खुशी की वक्तृत्व स्पर्धा बंद करो अभी। सुंदर बताओ कि तुमने ये मजाक किया ही क्यों? माय डियर भीड़े भाई, ये मजाक नहीं था, ये एक युद्ध था, युद्ध। काय बोलते हो? काय क्या युद्ध? युद्ध क्या युद्ध? युद्ध माय डियर जीजा जी, आपके लिए किसके साथ किया हुआ एक युद्ध? एक साले का जीजा के ऊपर का विश्वास अकबंद रहे उसके लिए किया गया एक युद्ध। माय डियर जीजा जी, आपके दामन पर दाग ना लगे उसके लिए एक साले ने किया हुआ एक युद्ध। क्या बोल रहे हो तुम सुंदर? जेठालाल पे कौन सा दाग लगेगा?
साला द्रोह का। आकुटला शब्द है। जैसे देश द्रोह होता है वैसे ही साला द्रोह। आपको पता है माय डियर जीजा जी, जब हम लोग आ रहे थे तो ये भोपा ने मुझे क्या कहा था पता है आपको? नहीं, मुझे नहीं जानना है। नहीं नहीं माय डियर जीजा जी, आपको जानना पड़ेगा। सुनिए घर भाई, हाँ, इतनी रात को आपके जीजा जी दरवाजा तो खोलेंगे ना? अरे दरवाजा खोलेंगे? अरे माय डियर जीजा जी, मेरे एक फोन पे मुझे यहाँ लेने को आ जाएंगे, समझे? क्या सुंदर भाई, ये थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो। इतनी रात को? अरे माय डियर जीजा जी, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ बहनों को कुछ, आज तक मैंने माय डियर जीजा जी को कुछ कहा हो और उन्होंने ना किया हो, बहनों ऐसा कभी हुआ है? बात तो आपकी सही है सुंदर भाई, लेकिन आज तक बहना उनके साथ थी और अभी बहना अहमदाबाद में है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है सुंदर भाई। देखिए जीजा जी और साले का रिश्ता बहना नाम की डोरी से बंधा हुआ होता है। बहना जब साथ में होती है तब तो हर जीजा जी अपने साले को प्यार से बुलाता है, दिखावा करता है, लेकिन सच तो तब सामने आता है जब बहना साथ में ना हो। नहीं नहीं माय डियर जीजा जी, ऐसे नहीं है। माय डियर जीजा जी मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं आधी रात को भी उनको कुछ कहूँ वो मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो सुंदर भाई रात भी है और फोन भी है, लगाते हैं एक फोन, चेक कर लेते हैं आपके जीजा जी के ऊपर के विश्वास को। मतलब? मतलब ये कि मैं फोन लगा के आपके जीजा जी को बोलता हूँ कि सुंदर भाई पुलिस स्टेशन में, देखते हैं वो आपको छुड़ाने आते हैं कि नहीं। ओ अरे भाई रहने दे ना भाई, वो आधी रात को माय डियर जीजा जी परेशान हो जाएंगे, रहने दे। परेशान इतनी सी बात में? बस ना सुंदर भाई, टूट गया ना विश्वास। इसीलिए कहता हूँ कि जीजा जी पे इतना विश्वास भी नहीं करते। तो भोपा मुझे माय डियर जीजा जी पे सच्चा विश्वास है। तो लगी 20,000 की शर्त, अभी फोन लगाता हूँ। जीजा गाड़ी रोक, साइड में लगा, फोन लगा, तुझे भी पता चल जाएगा कि माय डियर जीजा जी लाखों में एक है। एकदम, वो तो अभी पता चल जाएगा। हेलो जेठालाल गड़ा, बोल रहा हूँ। मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। इसीलिए माय डियर जीजा जी, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैंने इसके साथ शर्त लगा दी। सच में जीजा जी आप लाखों में एक हो। एकदम एकदम। दोस्तों अगर पुलिस हमें और हम वकील को ना ढूंढे, मतलब हमारी जिंदगी में सब कुछ ठीक चले, लेकिन यहाँ पर जेठालाल ने आधी रात को पुलिस और वकील दोनों को फोन कर दिया है। कोदा पहाड़ निकला सुंदरलाल, और पता नहीं क्यों साले के जाले में हमेशा फंस जाता है जेठालाल। जिस मुसीबत से हम सब डर रहे थे ना, सुंदर का मजाक था। जी हाँ, सुंदर ने शर्त जीतने के लिए ऐसा भद्दा मजाक किया था। जरा सोचिए कि आधी रात को कोई आपको नींद से जगाकर ऐसा मजाक करे, डराए और बाद में उसे मजाक का नाम दे दे, तो आपका गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा ना। लेकिन मजाक करने वाला अगर आपका साला हो तो गुस्से को निवाला बनाकर निगलना पड़ता है। सुंदर के लिए जो मजा थी हम सबके लिए सजा थी। जेठालाल ने पुलिस और वकील दोनों को पुलिस स्टेशन बुला लिया और ये बात हम में से किसी को याद नहीं। अब जरा सोचिए जब हम घर पहुंचेंगे तब पांडे जी और वकील पुलिस स्टेशन पहुंचेंगे, तब क्या होगा? हर बार की तरह पांडे जी का गुस्सा जेठालाल पर फूटने वाला है। अब जो कुछ हुआ ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली मुसीबत की पिक्चर तो अभी बाकी है। जेठालाल पर संकट का सुनामी आने वाला है। जी हाँ, और इस सुनामी में आपके लिए होंगे हंसी और खुशी के ठाके। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। जीजा जी अब आप ही बताइए मैं क्या करता, क्या मैं आपके ऊपर साला द्रोह का आरोप लगने देता? ये कुछ भी बोल जाए और मैं सुन लू? नहीं माय डियर जीजा जी, नहीं। कोई आपके और मेरे प्यार के बारे में डाउट करे तो मैं
सुन नहीं सकता। अरे तेरी ये बातें सुन के मेरा दिमाग शून्य हो गया है। तू नहीं सुन सकता तो कान बंद कर लेने का, लेकिन ऐसा मजाक नहीं करने का। खबरदार, आइंदा ऐसा मजाक किया तो। अरे माय डियर जीजाजी, मेरी चैलेंज जीतने पर आपको बिल्कुल खुशी नहीं हुई? अरे आपको पता है, चैलेंज जीतने पर मुझे दो दो फायदे हुए। फायदा नंबर एक, मुझे पता चल गया कि आप मुझे कितना प्यार करते हो। और फायदा नंबर दो, ये चैलेंज की वजह से मुझे 20,000 रुपए मिले हैं। 20,000? अच्छा, ये चैलेंज तो मेरी वजह से जीता ना? तो 20,000 मुझे दे दे, चल। ओपा, माय डियर जीजाजी को 10,000 रुपए दे दे। ये 10 क्यों? क्योंकि मेहनत तो मैंने की है ना, विश्वास का जुआ तो मैंने खेला ना। ठीक है चल, 10 तो 10 ला भाई, 10 ला। अब सुंदर भाई, अभी तो कैश नहीं है, मैं कल सुबह आपको देता हूँ ना। कैश नहीं है ना, कोई बात नहीं बेटा। ओ, जिस फोन से तू इंस्पेक्टर बनके मेरे साथ बात कर रहा था ना, वही फोन से मेरे खाते में डाल दे पैसा। सुंदर भाई क्या है माय डियर जीजाजी, ये भोपा है ना, वो रोकड़े में ही व्यवहार करता है, वो अकाउंट के झमेले में पड़ते ही नहीं है। भोपा तू एक काम करना, कल सुबह में मुझे रोकड़ा दे देना, फिर मैं माय डियर जीजाजी के साथ हिसाब समझ लूंगा। पक्को। ओ वदिया जी वदिया, अब चले। एक मिनट छोटी, उन क्यों होया? तू खड़ जाए यार। सुंदर दया कितने है? दया कहाँ है? हर बार तू अकेला आ जाता है, दया तेरे साथ क्यों नहीं आती है? वो क्या है माय डियर जीजाजी, कि मेरा जब भी यहाँ आना होता है तो बेना का यात्रा पे जाना होता है। अरे दया और उसकी यात्रा। तू अभी मुझे एक फाइनल डेट बता, दया मुंबई कब आ रही है? देखो फाइनल डेट तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि बेना आएगी। अरे कब? एक ना एक दिन बेना जरूर आ जाएगी। जेठालाल, ये सब बातें घर पे जाके करते। चलो चलो घर जाओ। एक मिनट, ये लोग भी आ रहे हैं क्या घर? सुंदर भाई, अगर जीजा जी को तकलीफ है तो हम लोग होटल में रह लेंगे। क्या बात कर रहे हो भोपा, मुंबई में माय डियर जीजा जी का घर होते हुए तुम होटल में रुकोगे? तुम माय डियर जीजा जी को होटल का खर्चा करवाएगा? अरे तुम्हें पता नहीं है, माय डियर जीजाजी का घर जितना बड़ा है उससे बड़ा तो उनका दिल है। नहीं, कुछ नहीं सुनूंगा मैं, उनके घर पे ही रहने जाना है हम लोगों को। माय डियर जीजाजी आप निकलो, हम आपको फॉलो करते हैं। जीजा गाड़ी कर, चल चल चल, चलो चलो फटाफट जीजाजी को फॉलो करो। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारा आना, खोदा पहाड़ और निकला ससुंदर। शुक्र करो जेठालाल के एक मजाक था, अगर सच में पुलिस का लफड़ा होता ना तो लेने के देने पड़ जाते। दादाजी पापा का फोन आया? नहीं बेटा नहीं आया, मैं ही करता हूँ जेठा को फोन। हाँ बापूजी। अरे जेठा तूने फोन नहीं किया, पुलिस स्टेशन में सब ठीक है ना? पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? ओ सुंदर रास्ता में ही मिल गया। पुलिस ने सुंदर को छोड़ दिया? नहीं नहीं। क्या बोल रहा है तू? बापूजी मैं घर आके आपको सब बताता हूँ। सुंदर कहाँ है? हाँ साथ में ही है। हाँ फोन दे उसे। नहीं मतलब ऐसे साथ में नहीं है। अरे क्या बोल रहा है तू झिठिया? बापूजी मुझे घर आने दीजिए, मैं घर आके आपको सब विगतवार बताऊंगा। हाँ ठीक है आ जा। ओके ओके। क्या हुआ दादाजी? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो आ रहा है सुंदर को लेके आ रहा है।
मेहता साहब भिड़े छोड़ी आधी रात को आपको जो तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी। माइडिया जीजा जी, ऐसा आप क्यों बोल रहे? ऐसा तो मुझे बोलना चाहिए। हाँ तो बोल। मेहता साहब, भिड़े भाई, सोड़ी भाई, आप तीनों को तहे दिल से थैंक यू। अरे सॉरी बोलना है भाई, थैंक यू किस बात के लिए बोल रहा है तू? अरे माय डियर जीजा जी, इतनी रात को ये लोग मेरे लिए आपके साथ आए, इसका मतलब ये है कि ये लोग भी मुझे आपके जितने ही प्यार करते हैं, इसलिए इनको थैंक यू। और आधी रात को तेरी वजह से इनको जो तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी कौन बोलेगा? वो तो आपने बोल दिया ना जेठालाल। कोई बात, चलो जाने दो, गुड नाइट। आपकी नाइट गुड होगी, मेरी तो। क्या बोला आपने? कुछ नहीं भाई, चल चल अभी चल। चलो फटाफट ऊपर। टपुड़ा जेठा को फोन करके पूछ कहाँ पहुंचे। बापू जी कैसे हैं आप? कैसी है आपकी तबीयत? मेरी तबीयत एकदम ठीक है, मैं ठीक हूँ। जय हो। और माय डियर बांजे कैसा है? हमेशा की तरह एकदम मस्त। बापू जी ये दोनों मेरे दोस्त हैं, ये है बोपा और ये है भोलू। नमस्ते बापू जी। भोलू को तो आप जानते ही हो। नमस्ते नमस्ते, आओ बेटा। लेकिन सुंदर बेटा क्या हुआ, क्या था? पुलिस तुझे क्यों पकड़ के लेके गई? अरे बापूजी पुलिस ने तो इसे पकड़ा ही नहीं था। हाँ इसने ये भोपू के साथ शर्त लगाई थी। सुंदर भाई, माय डियर जीजा जी, ये भोपू नहीं भोपा है, उसका ओरिजिनल नेम भूपत है, हम प्यार से उसे भोपा बोलाते हैं, आप भी उसे भोपा कहिए। क्या क्या शर्त, क्या कैसी शर्त, क्या शर्त लगाई थी वो? बापू जी क्या हुआ, और इस तरह से मैंने माइडी और जीजा जी की इज्जत बचा ली। बोलो इज्जत बचाई? भाई मेहरबानी करके आइंदा ऐसी फालतू की शर्त कभी लगाना मत। क्यों? अरे क्यों क्या, तेरी इस फालतू शर्त की वजह से हम सब कितना परेशान हुए। क्या बात कर रहे हो माय डियर जीजा जी, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं अपने दोस्तों के साथ लड़ गया, और आप बोल रहे हो कि मैंने कोई फालतू की शर्त लगा दी। देखिए ना माय डियर जीजा जी कैसी बात कर रहे हैं। बाबूजी आप ही बताइए मैंने क्या कुछ गलत किया? सुबह शांति से सब बात करना, अभी सब सो जाते हैं, जा टप्पू तू भी सो जा। ओके गुड नाइट। गुड नाइट बेटे, गुड नाइट। सुंदर भाई बहुत नींद आ रही है। हाँ तो सो जा। किधर? अरे जीजा जी का बेड बहुत बड़ा है, तू जीजा जी के साथ अंदर सो जा। लेकिन सुंदर भाई फिर आप कहाँ सोएंगे? ये भोपा यहाँ सोफे पे सो जाएगा, और मैं यहाँ नीचे गद्दा बिछा कर सो जाऊंगा। नहीं नहीं मैं बेड पे सो, आप नीचे सो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अंदर बेड बहुत बड़ा है, आप भी हमारे साथ अंदर ही सो जाइए, मैं आप और जीजा जी तीनों आ जाएंगे। ए, ए, भाई पहले मुझे तो पूछो मुझे जमेगा क्या नहीं। हाँ भैलो एक बेड और तीन लोग जीजा जी को नहीं जमेगा। जीजा जी आप एक काम कीजिए, आप अकेले ये सोफे पे सो जाइए और हम तीन लोग बेड पे सो जाएंगे। मुझे मेरा बेड छोड़ के कहीं भी नींद नहीं आती है। ओहो बहुत बड़ा बेड है, हम चारों आ जाएंगे। ए भाई अंदर बेड पे मैं अकेला सोऊंगा, दो गद्दे यहाँ दे देता हूँ, दो जन नीचे सो जाना और एक सोफे पे सो जाना। सुंदर भाई नीचे? तो काम कर भाई, तू अपने लिए होटल में कोई कमरा ढूंढ ले जा। अरे नहीं नहीं माय डियर जीजा जी इधर ही सो जाएंगे। ए भैलू चुपचाप नीचे सो जा, तेरा घर पे बेड कहाँ है, नीचे ही सोता है ना।
लेकिन सुंदर भाई घर की बात अलग है। एटले कुछ नहीं माय डियर जीजाजी, आप गद्दा लाइए ना। सुंदर भाई सोने से पहले एक कप चाय मिल जाती तो मस्त नींद आ जाती। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, चाय मिल जाएगी। जीजाजी क्या जीजाजी आप चाय पियेंगे? अरे नहीं भाई नहीं, आधी रात को चाय कौन पीता है? हम लोग चाय पीते हैं तो ही हमको नींद आती है। अहमदाबाद में भी 2 बजे रात को माणिक चौक जाते हैं, चाय पीते फिर ही हमको नींद आती है। आओ भाई डियर जीजाजी। हाँ पर ये मुंबई है भाई, इधर रात को सब सो जाते हैं, चाय नहीं पीते हैं। कोई बात नहीं माय डियर जीजाजी, आप सो जाइए, चाय मैं बना देता हूँ। मतलब आप लोग चाय पियेंगे ही? माय डियर जीजाजी अगर हम चाय नहीं पियेंगे तो हमको नींद नहीं आएगी, सारी रात हम बातें करते रहेंगे और आपकी नींद उड़ जाएगी। उससे अच्छा है कि मैं चाय बना लूं। तुझे पता है अंदर चाय पत्ती शक्कर चाय का मसाला कहाँ रखा है? नहीं। तो फिर चल। बस आप सिर्फ बता दीजिए, चाय तो मैं बना लूंगा, मस्त चाय बने लाऊ। मजेदार चाय बनेगी माय डियर जीजाजी। साइड में कर। हाँ जीजाजी हाँ, लाइए सामान लाइए। क्या ले? चाय पत्ती, ये शक्कर, चीनी छे शक्कर, ये चाय का मसाला। चाय का मसाला एकदम तेज। वाह जीजाजी वो लीली चाय है? लीली चाय वो आपके पास वो पुदीना है? पुदीना वो स्वाद बढ़ता है ना एकदम, है ताजगी आ जाती है चाय से। अरे वाह पुदीना आ गया, वाह एकदम फ्रेश है माय डियर जीजाजी। बस एक कप थोड़ी तुलसी पत्ती मिल जाए ना मजा आ जाए। वो क्या है जीजाजी, तुलसी के पत्ते अंदर डालते हैं तो क्या वो सर्दी जुकाम होता है ना वो चला जाता है, चाय एकदम आयुर्वेदिक बनती है, एकदम मस्त चाय बनती है। वाह तुलसी का पत्ता, वाह जीजाजी काली मिर्च है? हरी मिर्च है और हल्दी है, तो वो भी डालना है तो डाल सकते हैं चाय में। चाय की सब्जी थोड़ी ना बनानी है जीजाजी। ये देखो यार सामग्री देखो एकदम है, कितनी मस्त लग रही है, सब सामग्री इकट्ठा हो गई है माय डियर जीजाजी, चाय एकदम बढ़िया बनने वाली है। मैं क्या बोल रहा हूँ जीजाजी, आप भी यार। ठीक है चल आधा कप मैं भी पीऊंगा, आधा कप आप ज्यादा नहीं, आधा कप ही बनाना मेरे लिए। ये हुई ना बात माय डियर जीजाजी, बोलिए अब मैं कौन सी चाय बनाऊ, अहमदाबादी चाय बनाऊ, रजवाड़ी चाय बनाऊ, काठियावाड़ी चाय बनाऊ, मेहसाणी चाय बनाऊ, अरे शाही चाय बनाऊ, बोलो आप बोलो, पक्का आप बोलो वो चाय बनाऊ। भाई तुझे जो आती वो बना बना ना भाई। जीजाजी वो उसका पतीला चाहिए था। माय डियर जीजाजी 4 कप चाय बनानी हो तो कितने कप दूध डालने पड़ेंगे इसमें? बराबर है, 4 कप बनाने तो 4 कप ही दूध डालने। चलो मैं बना देता हूँ जीजाजी। क्या ढूंढ रहे जीजाजी, ये गैस चालू कैसे होता है? बच उठ बच उठ। नहीं मैं बना दूंगा जीजाजी। रेवा दे ना भाई रेवा दे, मैं तो रहने दे मैं बनाता हूँ। जीजाजी पानी की चाय बनाओगे? तू शांति रखना भाई, तूने कभी चाय बनाई है? बस तो उबो उबो जो खाली हूँ, क्या बनाऊ तू चाय? जी
जीजाजी दूध तो अभी भी डाले। शांति राख, पहला उकड़वा तो दे। तमे शू एट बता उकड़ो छो? तो यार तो शांति राख बना रहा, बनाने देना मुझे। तूने बनाया कभी? चलिए। अरे भाई अभी लेके तो जा, ये भी मैं उठा के लेके जाऊं। जीजाजी आपने इतना किया वो बहुत है। ओके, मेरा हाथ जरा भांगला है, गिर ना जाए, इसलिए ये संभाल के ले जाना पड़ता है। ओ भाई गरम गरम चाय तैयार है। वाह सुंदर भाई, वाह वाली पीली बच्चन बैठे लुपिता। आइए आइए जीजाजी, आप भी बैठिए। बैठो इधर बैठ, एकदम क्रिस्पी आप लीजिए। वाह जीजाजी क्या चाय बनाई है, कैसरो पड़ी गयो, मजा आ गया। तुझे कैसे पता चाय मैंने बनाई है? क्योंकि सुंदर भाई को चाय बनानी आती ही नहीं है। जीजाजी आप किचन में गए थे ना, तभी हम समझ गए थे कि चाय आपको ही बनानी पड़ेगी। अगर चाय पी रहे कम जीजाजी, मस्त है ना डबल वरी गांठिया। रात को कौन आया? रुके मैं देखता हूँ। तो एक मिनट, तू क्यों देखने जा रहा है? तेरा कोई चौथा दोस्त आने वाला था? नहीं नहीं कोई नहीं आने वाला है। सुंदर झूठ मत बोल। चलो आपको ऐसा लगता है मैं नहीं जाता बस। भोपा जा जिन दरवाजो खोल। तू अब करीन बचकारा बोला वे जाने वे जाती हुए तो भाव खाए। क्या फटाफट जल्दी दरवाजा खोल 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 सर। जीजाजी तुम शांति थी हाँ, गांठे नहीं जाफत मारो। जीजाजी पापड़ी लो ना, पापड़ी पर एकदम मस्त है। कौन है भाई? जेठालाल। अरे भिड़े तू। जैसे मैं घर पे गया और मैंने फोन चार्जिंग पे लगाया और स्विच ऑन किया तो देखा तो पांडे जी के बहुत सारे मिस कॉल थे। हाँ तो मैंने उनको फोन लगाया तो उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बोल के फोन क्यों काटा। तो मैंने बोला मैंने फोन नहीं काटा और प्रॉब्लम मेरा नहीं जेठालाल का था। जैसे मैंने तुम्हारा नाम लिया उन्होंने बोला बस आगे कुछ मत बोलना, तुम जेठा के घर पे आओ मैं भी आ रहा हूँ। अरे बाप रे, तो अभी तक आए तो नहीं ना? नहीं नहीं आए वो। चलो पांडे जी बैठिए ना। अरे बाप रे ये क्या हो गया, हम भूल ही गए कि हमने पांडे जी और वकील साहब को फोन करके पुलिस स्टेशन बुलाया था। क्या करते, सुंदर के बुने हुए भूतों के जाल में हम ऐसा फंस गए कि पांडे जी और वकील साहब तो क्या हम खुद को भूल गए थे। हम भले ही कानून को भूल जाएं लेकिन कानून हमको नहीं भूल सकता। पांडे जी और वकील साहब पहुंच गए जेठालाल के घर। भाई सुंदर को बचाने के लिए जिस पांडे जी और वकील साहब को बुलाया था अब वही पांडे जी और वकील साहब से जेठालाल को कौन बचाएगा। खैर जेठालाल का टेंशन से पुराना नाता। भाई जिस आग को बुझाने के लिए पानी डाला था वो पेट्रोल निकला। अब देखना यह है कि जेठालाल इस टेंशन को चकमा देके बाहर कैसे निकले या फिर पांडे जी वकील साहब और सुंदर के बीच में गेहूं की तरह पिसता है। जेठालाल भले ही पिसके आटा बन जाए लेकिन आपको परोसा जाएगा स्वादिष्ट व्यंजन जो हंसी और ठाकों से लैस होगा। तो इस स्वादिष्ट व्यंजन का मजा उठाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। चलो पांडे जी बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ।
आधी रात को एक ईमानदार पुलिस वाले को जो कि गहरी नींद में सोया है उसे फोन कर उठाया जाता है और उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वो ईमानदार पुलिस वाला पुलिस स्टेशन पहुंच भी जाता है और पहुंचने के बाद घंटों इंतजार करता है कि वो कंप्लेंट लिखाने वाला आएगा। वो कंप्लेंट लिखाने वाला आएगा लेकिन वो नहीं आता। और वो क्यों नहीं आया? क्योंकि वो तो घर पर बैठे चाय और पापड़ी की पार्टी मना रहा है। नहीं नहीं यार, कोई पार्टी नहीं हो रही है। चलो पांडे जी बोला क्यों बोल रहा है? मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि यहाँ चाय पे चाय पी जा रही है, पापड़ी पर पापड़ी खाई जा रही है और तुम कहते हो कि यहाँ कोई पार्टी नहीं मना रहा। हाँ? क्या है कि ये लोग अभी अहमदाबाद से आए और इनको बिना चाय पिए रात को नींद नहीं आती है। हाँ पंडित साहब, बिना चाय पिए इन लोगों को नींद नहीं आती? बोलो देखो, तो इसलिए मुझे इनके लिए जबरदस्त मतलब चाय बनानी पड़े। आप पियेंगे चाय? मस्त बनाता हूँ मैं, बना देता हूँ आपके लिए। नहीं मुझे चाय नहीं पीनी। अरे पीजिए ना, बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, है ना? अरे जेठालाल, मैं जब आधी रात को चाय पी लेता हूँ ना तो मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आती। इनका उल्टा है, इनको चाय पी के नींद नहीं आती। क्या? मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूँ, मैं जवाब मांगने आया हूँ कि तुमने मुझे आधी रात को फोन करके पुलिस स्टेशन बुलाया और खुद क्यों नहीं आए? बोलो क्यों, खुद क्यों नहीं आए? क्योंकि वो जो प्रॉब्लम था ना वो बीच रास्ते में सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? आपको आपके साथ है? मेरे साथ में नहीं है, ये मेरे साथ आए हैं। मैं वकील पी के मतवाला। ओह पी के मतवाला, ओहो नाइस टू मीट यू। सेम यार। बाके बिहारी। बाके बेरी नहीं, बबन बिहारी। हाँ तेज तेज, तो ये भी आ गया। ओ जेठालाल, पहले तुम मुझे ये बताओ कि वो बड़ा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ? हाँ, मैं आप लोगों के लिए आधी रात को नींद बिगाड़ कर आया और आप लोगों ने किसी और से प्रॉब्लम सॉल्व करवा लिया। नहीं नहीं वकील साहब, किसी और से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गया। कैसे? इधर ऐसे ही होता है वकील साहब, आदत डाल लीजिए। ये लोग पहले प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, फिर पुलिस को फोन करते हैं और खुद ही सॉल्व कर देते हैं। तो मेरी फीस? अरे वकील साहब फीस को छोड़ो, पहले ये जान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई। सर पहले प्रॉब्लम क्या था वो नहीं जानना? हाँ जानता है। वेरी गुड पटेल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जेठालाल पहले बताओ प्रॉब्लम क्या है? मैं बताऊं? तुम क्यों बताओगे? वो मुझे घर जाके सोना है, कल सुबह जल्दी उठना है, डिलीवरी के लिए जाना है। डिलीवरी? अरे तुम तो शिक्षक थे ना? शिक्षक ही हूँ। तो फिर ये डिलीवरी वाला क्या? आचार पापड़ की डिलीवरी करने जाना है। ओ जिसका प्रॉब्लम है वही बोलेगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। बताओ प्रॉब्लम क्या था और किसने सॉल्व किया? जरूर जरूर। अरे इंस्पेक्टर साहब, किसने भी सॉल्व किया हो मेरी फीस? अरे वकील साहब फीस को छोड़िए, पहले जान लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या था और किसने सॉल्व किया। दरअसल क्या हुआ, मेरा साला सुंदर। तुम्हारा साला सुंदर है? हाँ। तुम्हारा साला सुंदर है, मुझे क्यों बता रहे हो? मैं क्या कोई मैरिज ब्यूरो चला रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये साला मेरा सुंदर है। इसे सुंदर कौन बोलेगा? पूरी दुनिया बोलती है पांडे जी, उसका नाम सुंदर है। तो ऐसा बोलो ना, उसका नाम सुंदर है, सुंदर है, सुंदर सुंदर है। सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये साला मेरा जो है उसका नाम सुंदर है,
और आपको जो भी तकलीफ हुई ना चालू पांडे जी, वो इसकी वजह से हुई है। हाँ। क्या किया तुमने? मजा। हाँ, एक साले का जीजा के साथ एक छोटा सा मीठा सा मजा। क्या बोल रहे हैं? मैं बताता हूँ सब विगत और बताता हूँ। अभी आप ही बताइए, आधी रात को अगर आपका साला आपको फोन करके बताता है कि पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, तो आप उसकी मदद करने जाता है कि नहीं? साला तकलीफ में है तो जीजा को जाना ही पड़ेगा। बस तो मैं भी वैसे ही गया, और आपको फोन करने का तो आइडिया मेरे दिमाग में आया ही नहीं था, और भिड़े ने मुझे सुझाया। ये काई तरीका है? वो आइडिया तुम्हें तुम्हारे फायर ब्रिगेड ने दिया था। तुम्हारा फायर ब्रिगेड? जेठालाल, तुम्हारा पर्सनल फायर ब्रिगेड भी है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे परम मित्र है ना, मेहता साहब, तारक भाई मेहता, उनको मैं प्यार से फायर ब्रिगेड बुलाता हूँ। हाँ, तो उन्होंने आइडिया दिया था कि आपको बुला लो। वो क्या है कि ये सुंदर का दोस्त जो इंस्पेक्टर बन के बात कर रहा था ना, वो एकदम इतनी कड़क आवाज में बात कर रहा था कि हम लोग डर गए कि ये कोई नए इंस्पेक्टर है तो क्या करे। उसमें फिर मेहता साहब ने आइडिया दिया कि चालू पांडे जी को बुला लो, वो अपने हैं तो ओके, वो आके हमारी मदद करेंगे। ओके। चलो मैं मान लेता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे अपना समझ कर बुलाया और मैं अपनी ड्यूटी समझ कर यहाँ आया, पर जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जेठालाल, तो तुम अपना ही समझ कर मुझे फोन करके बता देते कि चालू पांडे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब आप गहरी नींद में सो जाइए। बोलो, फोन करके बता सकते थे ना? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है चालू पांडे जी, मुझे फोन करना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया। भूल गया? भूल गया? बता भूल गया? वो ये साला मेरा सुंदर और उसके दोस्त ने भूत बन के मुझे इतना डराया ना कि मैं भूल गया सब, कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, सब भूल गया। अच्छा? इन्हें मैं सच कह रहा हूँ चालू जी, पांडे जी, मेरी जगह आप होते ना और आप इनको भूत के अवतार में देख लेते ना, तो आप भी सब भूल जाते कि आप कौन है, कहाँ है, सब भूल जाते। ए जेठालाल, मैं भूत भूत से नहीं डरता, समझे? पांडे जी, डरते तो हम भी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ये लोग भूत बने थे ना, डरना तो बनता है। अच्छा, जरा भूत बनकर तो दिखाओ, हम भी तो देखें कि भूत कैसे बनते हो। अगर मैं तुम लोगों को देखकर डर गया तो मैं तुम सबको माफ कर दूंगा, और हाँ, अगर मैं भूत से नहीं डरा, then you all will be under arrest. नहीं नहीं, आप डरेंगे पक्का, चले जाए, बन के दिखा, चलो 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 चलो। भैलू पोपा, बता भी दो अहमदाबाद नु पानी, साहेब ने परसे वो छूटी जवो जोइए, बनी जाओ भूत ने करी दो खेल शुरू। इतना टाइम क्यों ले रहे हैं भूत बनने में भाई? अरे पांडे जी, कोई कोई इंसान की तो जिंदगी निकल जाती है भूत बनने में, तो एक 10 मिनट तो दीजिए, अब देखिए तो मजा आएगा। मजा आएगा मतलब डरने में मजा आएगा। मैं नहीं डरता, पहले डरता था तुम्हारी तरह, लेकिन जब से पुलिस की ट्रेनिंग हुई, कड़क पुलिस की ट्रेनिंग होती है। अच्छा? हाँ, सब डर भाग गया। अच्छा? भूत पिशाच निकट नहीं आवे अगर जो कोई पुलिस बन जावे। अरे वाह वाह। अरे सुंदर, झालक की नहीं, रेडी की नहीं,
बूट रेडी। ओके ओके, वन टू थ्री। पांडे जी डरिया ना? डर नहीं लग रहा तो कैसे डरू? डरने की एक्टिंग करूं? मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोशिश तो कीजिए। पानी पी लो, भूत जैसा कुछ नहीं होता। हाँ मैं कह रहा हूँ भूत जैसा कुछ नहीं होता। हाँ बापूजी, है नकली भूत है। लेकिन ये लोग भूत बने क्यों है? डराने। किसको? चालू जी, पांडे जी को। पांडे बेटा, इतनी रात को तुम यहाँ डरने क्यों आए हो? मैं नहीं डरता चाचा जी। हाँ, और इतनी रात को बेचारे पांडे बेटे को यहाँ बुलाया किसने? पूछो अपने लाडले से। क्यों? मैं आपको बाद में सब बताता हूँ बापूजी, सब बताता हूँ। चालू जी, पांडे जी, आपने देखा ना, मतलब आपको तो पता था कि ये भूत नहीं है, वो सुंदर वगैरह वो है, तो आपको डर नहीं लगा। लेकिन बापूजी को पता नहीं था, तो वो देख के कैसे डर गए? वैसे ही हम लोग भी पहली बार इनको देखा ना, एकदम डर गए। उसमें आपको फोन करना मैं भूल गया। बरोबर बोला, बरोबर बोला। ऐसे भूत बन के घूमेंगे तो कोई भी आम आदमी डर जाएगा। लोगों को शर्म नहीं आती? भूत बन के डराते हो? पटेल सर, सबसे पहले इस बाल की दुकान को अरेस्ट करो और इसके बाल काटो। जी सर। नहीं नहीं, मैं कटवा लूंगा। कटवा लूंगा जेठा भाई, मेरी फीस। ये कौन? ये वकील है बापूजी। किसे ढूंढ रहे बापूजी? जज साहब को। क्यों?
अरे यहाँ पुलिस है, वकील है, तो मुझे लगा जज साहब भी यही कहीं होने चाहिए। नहीं नहीं, यहाँ कोई केस नहीं चल रहा है बाबूजी। अरे तो फिर पुलिस और वकील यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना बापूजी, मैं आपको बाद में सब विगतवार बताऊंगा सब। अरे कब से तू बोल रहा है बाद में बताता हूँ, कम बताएगा? बापूजी सबको रवाना कर दो, बाद में आपको आराम से बताता हूँ। चलो भाई चलो, जिसका काम नहीं निकलो यहाँ से, चलो। ए? नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ। तो? ओ तो खाली भीड़ ही है, है? नहीं तुझे तो सब पता है ना, तो मैं कह रहा था तू जा घर जाके सो जा, हाँ आराम कर। सॉरी, थैंक यू थैंक यू। ओ थैंक यू। इधर, जब तक मैं नहीं बोलूं कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। पटेल सर, इन तीनों भूतियों को और इन दोनों को अंदर डालो। तुम्ही फसाद की जड़ो, तुमने इस जेठालाल को मेरा पर्सनल नंबर दिया कि नहीं? पांडे जी मैं तो सिर्फ पड़ोसी धर्म निभा रहा था, फिर भी जो हुआ उसको गलती समझ के माफ कर दीजिए ना प्लीज। गलती समझ क्या? अभी भी तुमको लग रहा है ये गलती तुम्हारी नहीं है? नहीं नहीं, बराबर आपकी बात है। अरे भाव काय बोलते है तू, गलती समझ कर नहीं, हमारी गलती हो गई ऐसा मान। अरे नी का बोलू, वैसे भी ये तीन भूत तो तुम्हारे है ना? सॉरी सॉरी चालू पांडे जी, हमसे गलती हो गई। हमसे नहीं? अरे हमसे मत है, तू ना आए भाव, हमसे मंजे मी आणि माझी भूत। सॉरी चालू जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अच्छा, तुमने कहा हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, और मैं तुम्हें माफ कर दूं? हाँ। क्यों माफ करूं? हाँ? क्यों माफ करूं? हर बार क्या है तुम्हारा? क्या? हर बार का क्या? अरे यार ये लोग कोई लफड़ा करते हैं फिर रिपोर्ट लिखाते हैं, मैं आऊं इससे पहले लोग केस सॉल्व कर देते हैं बिना वकील के। वकील तक तो बात ही नहीं पहुंची वकील साहब, जब पुलिस को मौका नहीं मिलता केस सॉल्व करने के लिए तो वकील तो बहुत दूर की बात है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे यहाँ बुलाया गया तो मुझे मेरी फीस चाहिए ना। मैंने थोड़ी बुलाया, मुझसे क्यों फीस मांग रहे हो? नहीं नहीं सॉरी, आपसे नहीं मांग रहा हूँ, जेठा भाई से मांग रहा हूँ। जेठा जी मेरी फीस दे दीजिए प्लीज। अरे वकील साहब आपकी फीस कैसी, आपने तो कुछ काम ही नहीं किया है। अरे लेकिन आ गया हो तो कम से कम आने जाने का तो दो। नहीं नहीं बराबर, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ ये ले। या 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 अरे बस जावा देने ना, यहाँ यहाँ चले जाए, यहाँ से चले जाए, हम लोग भी चले। ओके ओ क्या ओके, तुम भी अंदर चलो। ए भूत लोग तुम भी अंदर। ओ थैंक यू मास्टर, तुम भी अंदर। सुंदर के भूत के साथ साथ पांडे जी ने भी जेठालाल के रातों की नींद सुखचैन होश सब उड़ा दी। भाई आधी रात को कानून को परेशान करने के जुर्म में पांडे जी ने जेठालाल को हथकड़ी पहनाने का आदेश दे दिया, और होता क्या भाई, सुंदर जेठालाल की जिंदगी में मुसीबतों का सुनामी जो ले आया। सुंदर जेठालाल पर लगाई हुई शर्त तो जीत गया, लेकिन जेठालाल अपना सुखचैन हार गया। रात धीरे धीरे सुबह की ओर बढ़ रही है, लेकिन जेठालाल की जिंदगी की मुसीबत की रात कहीं और गहरी ना हो जाए, क्योंकि जेठालाल की जिंदगी में सुंदर की एंट्री का मतलब जेठालाल की जिंदगी से मुसीबतें कभी नहीं जाएंगी और आपके चेहरे से हंसी कभी नहीं मिटेगी। तो अब देखना यह कि जेठालाल इन मुसीबतों का सामना कैसे करता है। जेठालाल इन मुसीबतों का सामना कर पाए या ना कर पाए, लेकिन आप लोगों की हंसी पक्की। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। एक मिनट पांडे बेटा, एक मिनट। देखो ये जो कुछ भी हुआ है ना उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बस। चाचा जी आप हाथ जोड़कर माफी मत मांगिए। क्यों?
क्योंकि चाचा जी पर्सनली मैं बुजुर्गों की बहुत इज्जत करता हूँ। वाह वाह। अब आपकी वजह से मुझे इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। शांति शांति, आइंदा ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल चालू जी, पांडे जी आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं करेंगे मतलब दूसरा कुछ कांड करोगे? नहीं मतलब आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा ऐसा। चलो छोड़ो यार, हर बार ऐसे ही बोलते हो। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अपने आप से बोल रहा हूँ। अच्छा जी। चाचा जी अपना ख्याल रखना। ए चाचा जी का ख्याल रखना। हाँ वो तो रखते ही। पढ़े चलो। ओ अच्छा। अरे पर तीते आए ना जगह जाना जाऊँ देना जाना। थैंक यू बापूजी। ओ थैंक यू वाड़ी। एक बार फिर से कह रहा हूँ मेहरबानी करके ऐसी फालतू शर्त अभी कभी मत लगाना। देखा ना तेरी ये शर्त की वजह से कितने लोग परेशान हुए। नहीं तो क्या है। सॉरी जी। देखा पापा तुम्हारी शर्त की वजह से क्या हालत हो गई। अपने पूरे सर्कल में सबको बता देना आइंदा कोई मेरे साथ ऐसी शर्त ना लगाए। चलो चलो अब सो जाओ। कौन कहाँ सोने वाला है? मैं तो अपने घर जाके सो रहा हूँ चाचा जी। अरे तुझे नहीं पूछ रहा हूँ भाई, इन सबको पूछ रहा हूँ। बापू जी यहाँ सब तय हो गया है, आप सो जाइए शांति से। तुम रहो चल डबू। आई आई आई। गुड नाइट। गुड नाइट। सुना नहीं जैसे घर ही। अरे हो गुड नाइट गुड नाइट। जीजा जी गद्दे। हाँ देता हूँ भाई। गद्दे आए तब तक भूत में से इंसान बन जाओ। चलो फटाफट। रखने इधर मदद करे बोला। नहीं चुप। अब पातर पातर रहिए। बस हो गया। अब सुंदर भाई मेरा है ना माटे का ओढ़वा पात्र हूं। हां तकिया तो है वो ओढ़ने का ले। ये तकिया तो बहुत बड़ा है, ऐसा वाला दो ना। ऐसे जीते से जोन भाड़ में पड़ी हुआ से। ये बोल देना का जीते जी घर के ऐसे कुछ भी ऐसे ऐसे कोई टेंशन नहीं लेने का, एकदम मस्ती से सो जाने का। घर अच्छा पहला तारू आ बधू। अरे लाइक भाई बस ओके थैंक यू जीजा जी गुड नाइट। एक मिनट इधर आ जरा। तुम दोनों इधर ही खाली। मैं दिए जीजा जी दरवाजा क्यों बंद किया, क्या हुआ? देख भाई मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, सच सच बता दया कब आ रही है? ना बहुत जल्द आ जाएगी। अरे लेकिन नहीं आने का कारण क्या है? कारण तो बहुत ठोस है लेकिन वो बेला आके खुद अपने मुंह से आपको बताएगी। अरे हाँ जीजा जी कल सुबह आपके लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज है। सरप्राइज? हाँ एक जबरदस्त सरप्राइज है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप अभी सो जाइए, कल आपकी नींद उड़ने वाली है। समझ गया कल तेरी सरप्राइज क्या है। क्या कल तुम्हें दया आ रही है ना? नहीं झूठ मत बोल। तूने जिस तरह बोला उसी में समझ गया मैं। क्या? देख सबसे पहले तूने क्या बोला कि दया बहुत जल्दी आने वाली है बराबर, उसके बाद तूने बोला कि नहीं आने का ठोस कारण है लेकिन वो कारण दया खुद आके अपने मुंह से मुझे बताएगी, और उसके बाद तूने बोला कि कल सुबह एक जबरदस्त सरप्राइज है। तो इससे बड़ी जबरदस्त सरप्राइज
पर क्या हो सकती है? अरे नहीं नहीं माई डियर जीते जी, ये जो सरप्राइज है वो बैना की आने की सरप्राइज नहीं है। आपकी कसम बस। तो क्या सरप्राइज है? अरे वो कल सुबह देखिएगा। बहुत मजा आएगा। अरे बाप रे, क्या होगी इसकी सरप्राइज? आज की रात तो बिगड़ी है, कहीं कल का दिन भी ना बिगड़े। ये सुंदर जब जब आता है वो मेरे लिए टेंशन ही लेके आता है। क्या होगी इसकी सरप्राइज? जेठालाल की वजह से पूरी रात खराब हो गई। कब सोऊंगा, कब नींद खुलेगी मेरी, नींद पूरी होगी भी या नहीं क्या मालूम। अरे वो कुर्ता क्यों पहना है आपने? कहाँ गए थे आप? वाह वाह वाह, मानना पड़ेगा माधवी, रात के 3:30 बजे भी तुम सवाल पे सवाल पूछे जा रही हो। मेरी तारीफ रहने दीजिए। तारीफ? बताइए आप चिल्लाए क्यों, क्या हुआ? अरे वो अंधेरा था ना, वो बेड से टकरा गया इसलिए। लेकिन आप टकराए कैसे? वो मैं जेठा के घर पे गया था ना। आपको नींद में चलने की बीमारी कब से लग गई? नींद में क्यों चलूंगा मैं माधवी? अभी आपने कहा ना आप जेठा भाई के घर गए थे। हाँ। तो सपना देखा आपने? अरे सपना क्यों देखूंगा मैं, हकीकत में गया था। हाय चाललंय, मला काही कळत नाहीये, सगळा गोंधळ झालाय, नीट सांगा ना काय ते। मैं पूरी बात बताता हूँ, क्या हुआ, हम दोनों सो रहे थे तभी बेल बजी, जाके देखा तो जेठालाल। तुझे बुलाने आया हूँ, हमें अभी कभी पुलिस स्टेशन जाना है, सुंदर को मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया है। तुम चालू पांडे जी को फोन लगा। दरअसल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हलो 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 हलो, फोन क्यों रख दिया उन्होंने? फोन रखा ना, फोन स्विच ऑफ हो गया है। तो फोन ही काट दिया। हम एक वकील को साथ में लेकर चलते हैं, वकील रहेगा तो इंस्पेक्टर साहब से बात भी कर लेगा। आप जरा जल्दी पुलिस स्टेशन आ जाएंगे प्लीज? हाँ अभी निकलता हूँ और 10 मिनट में पहुँचता हूँ। अभी मजा चखाता हूँ। नहीं नहीं रुके रुके, थोड़ी बार रुके, थोड़ी बार मैं बहलू। ये क्या मजाक है जीजाजी? ये मजाक मेरा नहीं सुंदर भाई का है। जब हम लोग आ रहे थे तो ये भोपा ने मुझे क्या कहा था पता है आपको? नहीं, रात को आपके जीजाजी दरवाजा तो खोलेंगे ना। अरे माय डियर जीजाजी, मेरे एक फोन पे मुझे यहाँ लेने को आ जाएंगे, समझे? लगा दें एक फोन और चेक कर लेते हैं आपके जीजाजी के ऊपर के विश्वास को। इसीलिए माय डियर जीजाजी, आपकी इज्जत बचाने के लिए मैंने इसके साथ शर्त लगा दी। फिर मैं घर पे आया और कुर्ता चेंज करके सो गया। आप बाहर गए थे तो मुझे जगाना चाहिए था ना आपने। हाँ माधवी, लेकिन तुम गहरी नींद में थी इसलिए मैंने तुम्हारी नींद नहीं बिगाड़ी। और आपने कहा कि आप कुर्ता चेंज करके सो गए थे, फिर वापस कुर्ता कैसे? हाँ वो मैं दोबारा बाहर गया था। कहाँ? वो दूसरी बार मुझे इंस्पेक्टर चालू पांडे जी लेके गए। उगवे पांडे जी पुलिस स्टेशन लेके गए आपको? नहीं नहीं पुलिस स्टेशन नहीं, जेठा के घर पे लेके गए। वो क्या हुआ, हम सब सुंदरलाल को लेके सोसाइटी में आ गए, फिर मैं और मेहता साहब घर चले गए, फिर मैंने मोबाइल चार्जिंग पे रखा और स्विच ऑन करके सो गया और भूल ही गया कि पांडेजी और वकील साहब को हमने पुलिस स्टेशन बुलाया था। फिर चालू पांडेजी और वकील सोसाइटी में आए और मुझे लेकर जेठा के घर पे गए और वहां जाने के बाद, चलो मैं मान लेता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे अपना समझ कर बुलाया और मैं अपनी ड्यूटी समझ कर यहाँ आया, पर जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जेठालाल तो तुम अपना ही समझ कर मुझे फोन करके बता देते। बोलो, फोन करके बता सकते थे ना? मेरी जगह आप होते ना और आप इनको भूत के अवतार में देख लेते ना तो आप भी सब भूल जाता कि आप कौन है, कहाँ है, सब भूल जाते। बरोबर बोला, बरोबर बोला। ऐसे भूत बन के घूमेंगे तो कोई भी आम आदमी डर जाएगा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती, भूत बन के डराते हो? हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। बाप रे, इतना सब कुछ हो गया? नहीं तो क्या है, वो तो अच्छा है कि पांडे जी ने सिचुएशन को समझा, वरना हम सब अभी लॉकअप में होते। पर ये सब ना जेठालाल की वजह से हुआ है। चौथा समझ के लेके गया मुझे, पर मुझे कभी एक्स्ट्रा है का? आंसू दे कर लो, आपने बोला बात, अभी अभी सो जाते हैं, चलिए। अच्छा अरे ये लाइट लाओ, अभी पर धड़पड़े ना। ओ सॉरी, आदिस लागले
धड़पड़ू नका। आधी रात को कौन बेल बजा रहा है? अंजलि, अंजलि कोई बेल बजा रहा है क्या? मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अंजलि तुम नींद में हो, अभी कोई डोरबेल बजा रहा था। मैं गहरी नींद में भी होती हूँ ना, तो भी जरा सी आवाज से उठ जाती हूँ। कोई डोरबेल नहीं बजा रहा है, चलिए सो जाते हैं। एक मिनट, क्या पता जेठालाल हो, उसके ऊपर तो मुसीबत का पहाड़ कभी भी टूट पड़ता है। मैं देख कर आता हूँ। ओके, मैं भी साथ में चलती हूँ। सब कौन हो सकता है? अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, तो डोरबेल किसने बजाई? किसी ने नहीं, तारक आपने कोई सपना देखा होगा। हो सकता है, इस सुंदर की वजह से सिर्फ जेठालाल की नहीं मेरी भी नींद खराब हो गई है। हमारी, चलिए ना सोने चलते हैं, चलिए। अंजलि, अंजलि फिर से डोरबेल बजी। अरे कोई डोरबेल नहीं बजा रहा, आपके कान बज रहे हैं तारक, सो जाइए। वहाँ सुंदरलाल जेठालाल की बैंड बजा रहा है और यहाँ मेरे कान बज रहे हैं। पता नहीं है सुंदरलाल जेठालाल को और कितना परेशान करेगा। हे भगवान, मेरे परम मित्र को मुसीबतों से बचाए रखना। बापूजी और टप्पू के रूम में जा रहा हूँ, उनको समझा के लेके मैं आता हूँ। लेकिन सुंदर भाई, बापूजी मान तो जाएंगे ना? वो मुश्किल है, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। अगर बापूजी नहीं माने तो हम पूरी तरह से फंस जाएंगे, इसलिए बापूजी और टप्पू को तो मनाना ही होगा। सुंदर भाई टप्पू भी? अरे टप्पू साथ में होगा तो बापूजी को संभालना आसान हो जाएगा और उन्हें मजा भी आएगा। तुम दोनों उठो, फटाफट तैयार हो जाओ, मैं बापूजी और टप्पू को लेके आता हूँ, सोना मत। बापूजी और टप्पू तो गहरी नींद में सो रहे हैं। बापूजी, 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 बोले, 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 बापूजी, 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 मैं सुंदर हूँ, सुंदर। अरे आधी रात को डरा था क्यों है, जगाया क्यों? क्या हुआ? चलो फटाफट तैयार हो जाओ, हमें अभी के अभी अहमदाबाद जाना है। मम्मी को लेने? आधी रात को? नहीं नहीं, बेना को लेने नहीं जाना है। बापूजी मुझे आपकी मदद चाहिए। इतनी रात को तुझे मुझसे क्या मदद चाहिए? बापूजी क्या हुआ मामा? हाँ क्या मदद चाहिए? सुंदर बेटा संकोच मत कर, बोल
क्या मदद चाहिए? बोल बोल। बापूजी, मैं एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। मेरे एक दोस्त ने एक इंसान से पैसे लिए हैं और वो पैसे चुका नहीं पा रहा है। अच्छा? कितने पैसे लिए थे तेरे दोस्त ने? 10 लाख रुपए लिए थे बापूजी। 10 लाख? लेकिन पैसे तो तेरे दोस्त ने लिए थे ना, उसमें तू कैसे फंस गया? वो बापूजी ऐसा था कि ये पैसों की जो लेन देन का व्यवहार हुआ ना, उसमें बीच में मैं था। तो वो बोल रहा है कि कल के कल तू पैसे लेके आ, वरना कोई गारंटर लेके आ। मतलब? गारंटर मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति लेके आ जो जिम्मेदार हो और वो पैसों की जिम्मेदारी ले ले। बापूजी, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं बापूजी। तो फिर सुंदर बेटा, तुझे सबसे पहले पुलिस के पास जाना चाहिए। उन लोगों का तो पुलिस के साथ भी सेटिंग है। मैं तो सेवा करने गया था और फंस गया। बापूजी मारे थे उठे के धर्म करता धार पड़ी। बापूजी, मेरे दोस्त ने कहा है कि वो 1 महीने में सब पैसे चुका देगा। हाँ, लेकिन सुंदर बेटा, इसमें मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? प्लीज आप मेरे साथ अहमदाबाद चलिए और 1 महीने के लिए पैसों की गारंटी ले लीजिए। अभी? हाँ अभी। अरे इतनी रात को हम अहमदाबाद कैसे जाएंगे? बापूजी, मैंने आपकी टपू की और मेरी फ्लाइट की टिकट करवा दी है आने जाने की, रात तक तो हम वापिस आ जाएंगे। मेरी और टप्पू की जेठे की टिकट नहीं करवाई? अरे भाई जी, जीजा जी को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि मैंने ही कुछ गलत किया है। वो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन सुंदर बेटा, जेठिया को बताना तो पड़ेगा। अरे जीजा जी को पता चल जाएगा तो वो आपको भी नहीं आने देंगे। और जब तक जीजा जी जागेंगे तब तक तो हम लोग अहमदाबाद पहुंच गए होंगे। बाद में वहां से मैं जीजा जी को मैसेज करके बता दूंगा कि आप लोग रात तक पहुंच जाएंगे। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, प्लीज चलिए। अच्छा चल, मान ले मैं तेरे साथ तो अभी अहमदाबाद आया और मैंने गारंटी ले भी, लेकिन अगर 1 महीने में तेरे दोस्त ने पैसे वापस नहीं किए तो? अरे उसकी गारंटी मैं लेता हूँ ना। अगर आप अहमदाबाद नहीं आए तो मैं कभी अहमदाबाद नहीं जा पाऊंगा। बापूजी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। अरे अरे सुंदर, ये क्या कर रहा है? प्लीज बापूजी, मेरी मदद कीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं और टप्पू आते हैं तेरे। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। सुंदर घर पे आया मतलब तूफान जेठालाल के जीवन पर छाया। संकट बन के आया सुंदर आधी रात को चंपक चाचा को अहमदाबाद लेके जाने की बात कर रहा है। एक तरफ सुंदर जेठालाल को दया भाभी के बारे में कुछ नहीं पता, उस सवाल को टाले जा रहा है टाले जा रहा है, और दूसरी ओर अपने गफले को ठीक करने के लिए चंपक चाचा को गारंटी बनाकर लेकर जा रहा है। खुद को बचाने के लिए चंपक चाचा के नाम की चेन खींच रहा है। ये चेन जेठालाल के गले की आफत ना बन जाए। जेठालाल पांडे जी के फटके से तो बच गया, लेकिन क्या सुंदर के दिए हुए झटके से बच पाएगा? जेठालाल दया भाभी के इंतजार में, और यहाँ पर सुंदर टप्पू और चाचा जी को ले जाने के विचार में। लगता है कि इस रात की सुबह है और ये रात और काली होती जाए, लेकिन यहाँ के हर रंग में छुपी है हंसी और ठाके। यहाँ भले ही अंधेरा हो, लेकिन आपके घर पर ठाकों की रोशनी ही फैलेगी। भाई स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।